दिए योग ऋषि भारत ही नहीं विश्व में योग क्रांति के प्रणेता कृपा पात्र अत्यंत आत्मीय एवं प्रखर वक्ता जिनकी वाणी में ओज है, चेहरे पर तेज है और जिनके हृदय सागर में राष्ट्र धर्म की उत्तार तरंगे हिलोरे मार रही है। मन मयूर राष्ट्र के लिए ही नृत्य करता है, राष्ट्र के लिए सोना, राष्ट्र के लिए जागना, राष्ट्र के लिए ही जीना जिनकी फितरत में समाया है। ऐसे भारत वर्मा ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राजीव दीक्षित जी हमारे बीच पधार चुके हैं। पतंजलि योग समिति, भारत सलमान ट्रस्ट, महिला पतंजलि योग समिति कटनी एवं सभी नगर वासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। परंपराओं की बात न पूछो, स्वागत दिल से होता है। परंपराओं की बात न पूछो, स्वागत दिल से होता है। पदाधिकारियों, अतिथियों एवं मंचासीन अतिथि गणों का भी मैं सम्मान करती हूँ। मंच पर हमारे मंडल प्रभारी श्री राजीव दीक्षित जी विराजमान है, जबलपुर से पधारे हुए जिलाध्यक्ष श्री रजक जी, दमोह से पधारे हुए जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार परोहा जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही समिति के सभी पदाधिकारी की ओर से, सभी योग शिक्षकों की ओर से कटनी नगर और आसपास के क्षेत्रों से पधारे हुए सुधी श्रोताओं प्रबुद्ध जनों का बारंबार स्वागत करती हूँ। आपके धैर्य को एक बार पुनः नमन करती हूँ। भारत माता की संरक्षक श्रीमती शांता जी महिला प्रभारी, आप सभी दीप प्रज्वलन में सहयोग करेंगे। श्री हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री दीक्षित जी भी प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। दीप ज्योति हमारे मन के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश हमारे अंतर में करके, इसी का प्रतीक है यह दीप प्रज्वलन। न फूलों के महकने से, न कलियों के खिलने से, न फूलों के महकने से, न कलियों के खिलने से हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। दीप ज्योति के जलने से हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ होता है, दीप ज्योति के जलने से। और यह कार्यक्रम हमारे संबंध में आया है मंडल प्रभारी रुचिता जी, महिला प्रभारी शांता जी दीप प्रज्वलित करते हुए। सर हमारे भारत सम्मान के मुख्य संयोजक श्री लोहा जी दीप प्रज्वलित करते हुए। बड़ा ही सुहावना दृश्य है भारत माता और मां के सामने मंच पर विराजमान हैं, जिनका स्वागत करते हुए हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति में शुरू से रही है और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए सर्वप्रथम श्री राजीव दीक्षित जी का तिलक लगाकर स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी जिलाध्यक्ष श्री तुलसीदास पांडे जी से। आप तिलक लगाकर मंच पर आ जाए। श्री विनोद लोहा जी साफा पहना करके श्री दीक्षित जी का स्वागत करेंगे। लोहा जी हमारे भारत सम्मान के मुख्य संयोजक हैं, स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद लोहा जी। देवाशीष पर उसी फूल को आदर मिलता है, देवाशीष पर उसी फूल को आदर मिलता है जो वेदों के मंत्रों से अभिसिंचित होता है।
कर्म क्षेत्र में वही व्यक्ति आगे बढ़ पाते हैं जो स्वार्थ त्याग कर परमार्थ को गले लगाते हैं। और ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी आपके समक्ष बैठे हुए हैं श्री दीक्षित। अंबर पर जिसकी मस्ती देख लहरिया दौड़ी तक की ओर सहम कर। इसके पूर्व की हमारे प्रमुख वक्ता आपके समक्ष उद्बोधन करें, मैं मंडल प्रभारी श्री दीपक सिंह राजपूत जी से अनुरोध करूंगी कि वे भी तिलक लगाकर हमारे श्री राजीव दीक्षित जी का सम्मान करें। और स्वागत की इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हुए मैं अनुरोध करूंगी श्री राजीव दीक्षित जी से कि वे अपने उद्बोधन से हमें अभिभूत करें, हमें प्रेरणा दें, हमें इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे सामने बैठे नगरवासियों को, हमारे योग शिक्षकों और पदाधिकारियों को आपसे निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी और हमारी यह संस्था उत्तरोत्तर प्रगति करेगी। श्री राजीव दीक्षित जी, कटनी नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, इस सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मंच पर आसीन मेरे सभी भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग पीठ के पदाधिकारी साथियों, मैं आप सबसे इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ कि करीब 5 घंटे देरी से आपके बीच में आया। इस 5 घंटे की देरी का तो मेरी वो रेलगाड़ी 4 घंटे देरी से इलाहाबाद पहुंची और इलाहाबाद देरी में पहुंची, फिर उसके बाद वहां से सतना पहुंचने में मुझे 4 घंटे देरी हुई, फिर सतना से आपके बीच आते आते 5 घंटे की देरी हो गई। मैं आयोजकों से क्षमा मांगता हूं, सभी श्रोताओं से क्षमा मांगता हूं। मेरे कारण आपको जो कष्ट हुआ, जो तकलीफ हुई, उसकी मुझे वेदना है और मैं इस बात से बहुत आनंदित हूँ। मुझे खुशी हुई कि जब मैं यहाँ आया, अंदर मैंने प्रवेश किया, तो मैं ये सोच के आया था कि 20-25 लोग भी रहेंगे तो भी मैं उनके सामने बात करूँगा, लेकिन यहाँ आप सैकड़ों की संख्या में अभी भी उपस्थित हैं, इस बात का मुझे बहुत आनंद है, खुशी है। आपकी यहाँ इतनी बड़ी उपस्थिति ये बताती है कि जिस विषय पर मैं आपसे बात करने आया हूँ, उस विषय के प्रति आपके मन में कितनी संवेदना है, कितनी जागरूकता है देश के प्रति, समाज के प्रति। मैं आपकी इस संवेदना को प्रणाम करता हूँ, आपकी देश के प्रति इस निष्ठा को भी प्रणाम करता हूँ। मैं भारत स्वाभिमान के विषय में आपसे कुछ बात करने आया हूँ। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने मुझे जो निर्देश दिया है, उसी निर्देश के अनुसार मैं आपसे बात करूंगा। इस समय मैं मध्य प्रदेश के प्रवास पर हूं और आज सवेरे मुझे सतना होना चाहिए था। अगर ट्रेन समय पर आती तो मध्य प्रदेश का प्रवास मेरा सतना से शुरू हुआ है और अगले लगभग 15 दिनों तक मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा। उसके बाद मुझे तमिलनाडु जाना है, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। लगभग 2 महीने के प्रवास पर मैं निकला हूँ। जुलाई के अंतिम सप्ताह में वापस हरिद्वार जाऊंगा। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं अगले 2 महीने के प्रवास में जहाँ जहाँ संभव हो भारत स्वाभिमान के उद्देश्य और विषय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्टता के साथ सभी को कुछ समझा सकूँ। उसी दृष्टि से मैं आपसे बात करूँगा। भारत स्वाभिमान का अभियान 5 जनवरी 2009 को शुरू हुआ हरिद्वार नाम के शहर में, लेकिन खुशी की बात है, गौरव की बात है कि अब ये अभियान भारत के 680 जिलों तक पहुंच गया। शुरुआत हुई थी हरिद्वार से, अब ये अभियान 680 जिलों में है और इस अभियान में मेरे जैसे, आपके बीच में बैठे हुए हमारे योग शिक्षकों जैसे
2,40,000 योग शिक्षक सारे देश में तन मन और धन से लगे हुए हैं। 10,000 से ज़्यादा केंद्र स्तर के, राज्य स्तर के और जिला स्तर के पदाधिकारी और प्रभारी इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले 4 वर्षों में 5 करोड़ से ज़्यादा मेंबर सदस्य के रूप में हम लोगों को इस अभियान से जोड़ने वाले हैं। और परम पूजनीय स्वामी जी का जैसा संकल्प है कि अभी 2,40,000 योग शिक्षक इस अभियान में हैं और अगले 2 वर्षों में 11,00,000 योग शिक्षक और भी इस अभियान में आने वाले हैं। उन शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से इस समय स्वामी जी एक एक जिले में शिविर कर रहे हैं। पहले तो पिछले लगभग 1 वर्ष तक लगातार हरिद्वार में प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुए थे, आप भी उन शिविरों में गए होंगे। मध्य प्रदेश राज्य के 2 प्रशिक्षण शिविर हुए थे, उत्तर प्रदेश के 2 प्रशिक्षण शिविर हुए थे और बाकी सभी राज्यों का 1-1 प्रशिक्षण शिविर हुआ। कुल मिलाकर पिछले 1 वर्ष में 33 शिविर हुए थे हरिद्वार। इन 33 शिविरों में 2,40,000 योग शिक्षक तैयार हुए और वो अभी गांव-गांव में सेवा दे रहे हैं। अगले 2 वर्षों में 11,00,000 और योग शिक्षक तैयार हो जाएंगे, तब भारत के हर गांव में हमारे कम से कम 2 योग शिक्षक हो जाएंगे। भारत में इस समय 6,38,365 गांव हैं। हर एक गांव में लगभग 2 योग शिक्षक हमारे हो जाएं, तो 13,40,000 के आसपास की हमारी संख्या योग शिक्षकों की अगले 2 साल में तैयार होगी। आपके मन में एक प्रश्न आएगा, वो ये कि इतना बड़ा संगठन हम क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत है? भारत देश में इतने बड़े संगठन की आज़ादी मिलने के बाद क्या आवश्यकता है और क्यों ये संगठन बनाने के रास्ते पे हम चल पड़े हैं? हमारे भारत के सामान्य लोगों के बारे में और विशेष लोगों के बारे में जो एक बात मुझे बार बार सुनने को मिलती है, वो ये, लोग अक्सर मुझे ये कहते हैं कि राजीव भाई, आज़ादी के पहले तो ये संगठन बहुत बड़ा हमने बनाया आज़ादी लाने के लिए, अब इतना बड़ा संगठन बनाने की क्या ज़रूरत है? अंग्रेजों से हमने आज़ादी पाली 15 अगस्त 1947 को, और जब तक अंग्रेज भारत में थे तब तक हम उनसे लड़ते थे और उनसे लड़ने के लिए बड़ी संख्या की ज़रूरत थी, इसलिए बड़ा संगठन आज़ादी के आंदोलन का बनाया था और उस संगठन में 4.5 करोड़ से ज़्यादा भारतवासियों ने भाग लिया था। आपको भारत की आज़ादी के इतिहास के बारे में ये 2-3 बातें तो पता ही हैं कि 1857 में जो पहला संग्राम हुआ स्वतंत्रता का, इस संग्राम में 4.5 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। उस समय भारत की कुल आबादी 20 करोड़ के आसपास थी, माने 1/4 भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और 4.5 करोड़ भारतवासियों के पदाधिकारियों की जो संख्या थी वो करीब 7,32,780 के आसपास उस संगठन के पदाधिकारी हुआ करते थे। उस जमाने में जो आज़ादी के क्रांतिवीरों का संगठन बना था उसके अध्यक्ष थे नाना साहब पेशवा, उसके उपाध्यक्ष थे अमर शहीद तात्या टोपे, उसकी महासचिव थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसकी एक और दूसरी महासचिव थी रानी कित्तूर चनम्मा, वो दक्षिण भारत की थी। ऐसे उस संगठन में 7,32,780 पदाधिकारी थे और 4.5 करोड़ कार्यकर्ता सदस्य थे और उस संगठन का एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से भगाना और अंग्रेजों को भारत से हटाना। तो वो बात तो हमें समझ में आती है। अब अंग्रेज जब चले गए और अब यहाँ नहीं हैं तो इतना बड़ा दूसरा संगठन बनाने की ज़रूरत क्या है? मैं इसी बात से मेरा व्याख्यान शुरू करता हूँ कि आज हमको एक बड़े संगठन की फिर से ज़रूरत इस बात के लिए आई है कि अंग्रेज तो चले गए हमारे देश में से, लेकिन अंग्रेजों की बनाई गई जो नीतियाँ हैं, अंग्रेजों के बनाए गए जो कानून हैं, अंग्रेजों की बनाई गई जो व्यवस्थाएं हैं, अंग्रेजों की डाली गई जो परंपराएं हैं, वो सब की सब इस देश में अभी भी जिंदा है। मुझे ये बात कहते हुए बहुत खराब लगता है कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हो गए लेकिन अभी तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। हमारी स्वतंत्रता अभी भी स्थापित नहीं हो पाई है। तो आप बोलेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आज़ादी और स्वतंत्रता में अंतर क्या है?
आजादी और स्वतंत्रता में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में होता है, पूरब और पश्चिम में होता है, उत्तर और दक्षिण में अंतर होता है। आजादी हमें मिली है अंग्रेजों की गुलामी से, माने अब अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर नहीं है। वो 15 अगस्त 1947 को खत्म हो गया, लेकिन स्वतंत्रता अभी तक हमें नहीं मिल पाई। क्यों? स्वतंत्र शब्द को अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें तो दो शब्दों से मिलकर स्वतंत्र बना है। एक शब्द है स्व और दूसरा शब्द है तंत्र। स्व माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था। जब अपनी व्यवस्था हम भारत में बना लेंगे तब हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे इस समय जो व्यवस्था हमारे देश में चल रही है वो किसकी बनाई हुई है? दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि इस समय जो व्यवस्था चल रही है वो अंग्रेजों की बनाई हुई है। हमारी जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो पूरी की पूरी अंग्रेजों की बनाई हुई है। हमने अभी तक अपनी अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद भी। हमारी जो कृषि व्यवस्था चल रही है वो भी अंग्रेजों की बनाई हुई है। इस कृषि व्यवस्था में भी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद भी। हमारी जो न्याय व्यवस्था चल रही है, जो अदालतें हमारे देश में काम कर रही हैं, जिला स्तर की अदालतें हैं, उच्च न्यायालय हैं, फिर उच्चतम न्यायालय है, ये सब अदालतें अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर ही काम कर रही हैं। अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून है, उसका नाम है IPC, इंडियन पिनल कोड। अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून है CPC, सिविल प्रोसीजर कोड। और इसी तरह से अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून है इंडियन एविडेंस एक्ट। ये सब कानूनों के आधार पर ही हमारी अदालतें फैसले करती हैं। अब वो फैसले में न्याय मिले या ना मिले ये महत्व की बात नहीं है, फैसले होते हैं हमारे यहाँ। अगर मैं इसको तकनीकी रूप में कहूँ तो अदालतों में केस डिसाइड होते हैं, जजमेंट नहीं आते। क्योंकि जब जज न्याय नहीं देता तो फैसले ही होते हैं, और फैसले कानून के आधार पर होते हैं, और कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उसमें आपको न्याय मिल पाए। न्याय मिलना अलग बात है, कानून के आधार पर फैसला होना बिल्कुल अलग बात है। हमारे देश में न्याय व्यवस्था के साथ चिकित्सा व्यवस्था जो चल रही है वो भी अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई है। हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसके भी सारे कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। मुझे बहुत दुख होता है, अफसोस होता है ये कहते हुए कि मैकॉले नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने सन 1840 के आसपास एक कानून बनाया, इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस कानून के आधार पर इस देश में कॉन्वेंट स्कूल शुरू हुए, पब्लिक स्कूल शुरू हुए, और उस कानून के आधार पर पाठ्यक्रम तय हुआ। वही पाठ्यक्रम आज तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं जो कभी मैकॉले ने 1840 में तय किया था। 170 साल पुराना पाठ्यक्रम हम वैसे का वैसा ही पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई बदलाव हम नहीं कर पाए अभी तक। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी चिकित्सा व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी कृषि व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी संसद की व्यवस्था, सब कुछ अंग्रेजों के जमाने की है। और इसमें जब तक हम भारतीय तत्व नहीं ला पाएंगे तब तक स्वतंत्रता नहीं आने वाली है। हमारे भारत के जितने क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, उनमें से 2-3 क्रांतिकारियों का नाम लेके आपसे मैं कहूंगा। एक बड़े महान क्रांतिवीर लगातार वो गांव-गांव घूमकर व्याख्यान देते रहे थे, और हर व्याख्यान में वो लोगों को ये समझाते थे कि अंग्रेजों से आजादी लाना तो बहुत आसान काम है लेकिन स्वतंत्रता स्थापित कराना ये बहुत मुश्किल काम। और वो लोगों से कहते थे कि अगर स्वराज्य चाहिए तो स्वतंत्रता लाओ, और स्वतंत्रता लाने के पहले आजादी लाओ। तो आजादी तो आ गई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन स्वतंत्रता अभी तक नहीं आ पाई क्योंकि हम अपने तंत्र को स्थापित नहीं कर पाए। भारत स्वाभिमान नाम का जो अभियान शुरू हुआ है वो इसी काम के लिए है कि अंग्रेजों की समय की
जो व्यवस्थाएं अंग्रेजों के समय के जो कानून, अंग्रेजों के समय की जो नीतियां, अंग्रेजों के समय की जो परंपराएं अभी तक पड़ी हुई हैं, इनको हटाया जाए और भारत में स्वतंत्रता के साथ स्वराज्य की स्थापना कराई जाए। इसी एक उद्देश्य को लेकर भारत स्वाभिमान का गठन हुआ है और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत स्वाभिमान का संगठन हम बड़ा कर रहे हैं। हमें व्यवस्था बदलनी, हमें तंत्र बदलना, और व्यवस्था और तंत्र को बदलने का काम छोटे संगठनों के द्वारा नहीं हो पाता है, उसके लिए बहुत बड़े संगठनों की जरूरत होती है। आप बोलेंगे पिछले 63 साल आजादी के बाद हमने किया क्या है। आजादी के पिछले 63 सालों में हमने सत्ता परिवर्तन किया है बार बार, व्यवस्था परिवर्तन एक बार भी नहीं कर पाए। कोशिश एक बार हमने जरूर की थी व्यवस्था परिवर्तन की, लेकिन वो कोशिश अधूरी रह गई। ये कोशिश हमने की थी सन 1974 में। हमारे देश में एक महान व्यक्ति जिनका नाम परम सम्माननीय जयप्रकाश नारायण, वो निकले 1974 में व्यवस्था परिवर्तन की बात को लेकर। सारे देश में उन्होंने संगठन बनाया, 3 वर्षों में उनका संगठन इतना बड़ा हो गया। सब पर एक साथ आने वाले। शुरुआत कहां से होगी इस काम की? शुरुआत हमें करनी है अंग्रेजों के समय के बनाए गए कानूनों को रद्द करवाने से। अंग्रेजों ने भारत देश की गुलामी के लिए 34,735 कानून बनाए थे, और ये सारे के सारे कानून हमारे देश में आजादी के 63 सालों के बाद भी ज्यों के त्यों चल रहे हैं। हमें इन्हीं कानूनों को बदलना है। आप बोलेंगे इन कानूनों में खराबी क्या है? इन कानूनों में सबसे बड़ी खराबी ये है कि ये कानून हमारी गुलामी के दिनों के हैं, और आज इन कानूनों की जरूरत उतनी नहीं रह गई है, क्योंकि अब हम गुलाम नहीं हैं किसी के।
अब हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, आजाद तो हो गए हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो अब इन कानूनों की जरूरत नहीं है। और ज्यादातर कानून 160, 170 साल पुराने हैं। अब 160, 170 साल पहले कोई बात अगर तय हुई तो वो जरूरी नहीं है कि आज भी उतनी ही उपयोगी हो जितनी 160 साल पहले थी। कानूनों का स्वरूप बदलना है, कानूनों की आत्मा बदलनी है, कानूनों का ढांचा बदलना है और कानूनों का सब कुछ बदलना है। आप बोलेंगे जी कहां से शुरू करेंगे, कौन से कानूनों को सबसे पहले बदलेंगे? हम सबसे पहले उन कानूनों को बदलना चाहते हैं जिन कानूनों को सबसे पहले अंग्रेजों ने लागू किया। अंग्रेजों ने कानूनों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया था। और इसकी छोटी सी कहानी मैं जरूर आपको सुनाऊंगा। हुआ ये कि 1857 में हमने अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत की, उस बगावत में अंग्रेजों की बहुत बुरी तरह से हार हुई। 10 मई 1857 को मेरठ के कैंट एरिया से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हुई और वो बगावत मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से बरेली, बरेली से शाहजहांपुर, बदायूं, फिर उसके बाद एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, फिर उसके आगे कानपुर, लखनऊ और फिर पूरे भारत के 350 स्थानों पर वो फैल गई। उस बगावत का स्वरूप क्या था? बगावत का स्वरूप ये था कि जितने अंग्रेज भारत में उस समय थे उन सबको भारतवासियों ने मार डाला था, गले से काट दिया था या उनकी गोली मारकर हत्या की। आपको सुनकर इस बात पे आश्चर्य जरूर होगा कि जो भारतवासी चींटी को भी मारना पसंद नहीं करते, उन्होंने 1857 में 51,316 अंग्रेजों का कत्लेआम किया। जिन भारतवासियों को चींटी को मारने में भी तकलीफ होती है उन भारतवासियों ने 51,316 अंग्रेजों को मार डाला। और अंग्रेजों की इतनी बड़ी पैमाने पर जो मौतें हुई वो दुनिया के इतिहास में दर्ज है। आपको शायद इस बात का अंदाजा है कि अंग्रेजों ने भारत को जो गुलाम बनाया था ऐसे ही दुनिया के 70 और देशों को भी गुलाम बनाया, अफ्रीका को गुलाम बनाया, ऑस्ट्रेलिया को गुलाम बनाया, न्यूजीलैंड को गुलाम बनाया, जापान को गुलाम बनाया, चीन को गुलाम बनाया, मलेशिया को गुलाम बनाया और तो और अमेरिका लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजों ने दुनिया के 70 देशों में अपना साम्राज्य स्थापित किया था लेकिन किसी भी देश में अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत नहीं हुई थी जो भारत में हुई। अमरीका में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी 1770 में लेकिन उसमें 3 से 3,500 अंग्रेज मारे गए थे। अंग्रेजों के खिलाफ अफ्रीका में भी बगावत हुई थी, उसमें 12 से 13,000 अंग्रेज मारे गए थे। अंग्रेजों के खिलाफ चीन और जापान में भी बगावत हुई थी, उसमें 7 से 8,000 अंग्रेज मारे गए थे। भारत अकेला ऐसा देश है और था जहां एक साथ 51,316 अंग्रेज मारे गए। आप बोलेंगे जी ये 51,316 अंग्रेजों को मारे जाने का आंकड़ा कहां से मिला? इस आंकड़े को इकट्ठा करने में मुझे 10 साल लगे। ये आंकड़ा मिला कहां से? अंग्रेजों के मरने के बाद उनकी जो शरीर है, मृत शरीर, उसको जो दफन किया गया है, उसकी जो कब्रें हैं, उनकी गिनती की है मैं। आप जानते हैं कि अंग्रेजों के यहाँ शरीर को जलाया नहीं जाता, जमीन में खड्डा खोद के गाड़ा जाता है। और अंग्रेजों की परंपरा में जिस व्यक्ति को एक जगह दफन कर दिया वहां पे दूसरा व्यक्ति दफन नहीं होता, उसके बगल में होगा, आगे होगा, पीछे होगा, 12 साल में घूमता रहा अंग्रेजी की कब्रों को गिनने के लिए। दिल्ली में कितनी कब्रें हैं, जबलपुर में कितनी कब्रें हैं, मद्रास में कितनी है, बेंगलोर में कितनी है, कानपुर में कितनी है, जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, ये गिनती वहां से हुई। और इस गिनती को करने के बाद फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स की जो डिबेट है अंग्रेजों की 1857 से 60 की, उसमें अंग्रेज सरकार ने जो स्वीकार किया हुआ है वो भी आंकड़ा यही है 51,316। तो वेरिफिकेशन लंदन से किया और गिनती भारत में की, तब पता चला कि 51,316 अंग्रेज मारे गए इस लड़ाई। और इसमें सबसे बड़ा अंग्रेज
जो कमांडर इन चीफ होता था उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का, वहां से लेकर सबसे छोटा अंग्रेज जो किसी फौज के सैनिकों की सेवा में लगा हुआ कोई सार्जेंट होता था नौकर, वहां तक की यह गिनती है। सबसे बड़ा अंग्रेज जो कमांडर इन चीफ था उस जमाने में, उसका नाम था एनसन, वो मारा गया। और सबसे छोटा अंग्रेज जिसको वो सार्जेंट माना करते थे, जिसका नाम था नील, वहां से लेकर ये 51,316 अंग्रेज मारे गए। और इनको मारने वाले जो भारतवासी थे, उन्होंने जिंदगी में कभी चींटी भी नहीं मारी थी, जिन्होंने इतने अंग्रेज मारे। आपको और एक बात कहूं तो आपको हैरानी होगी कि जिन अंग्रेजों को मारा गया, इनमें से ज्यादातर अंग्रेजों के गले काटे गए थे। और गले किससे काटे थे पता है? खेत में फसल काटने वाले हसिया से। भारत के लोगों के पास हसिया था, गणासा था, खुरपी थी, खुरपा था, बंदूकें नहीं थी, तलवारें नहीं थी। बंदूकें और तलवारें होती हैं व्यवस्थित लड़ाई लड़ने वाले सैनिकों के पास, लेकिन 1857 की लड़ाई जिन्होंने लड़ी वो व्यवस्थित सैनिक नहीं थे, वो तो साधारण किसान थे, खेत में काम करते थे। गुस्सा आ गया तो जिस हसिये से फसल काटते थे उसी से अंग्रेजों के गले काटे हुए। ये था हमारे देश। और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा किसान लड़े थे 1857। और किसानों के लड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि अंग्रेजों ने किसानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए थे। एक अत्याचार अंग्रेजों ने किया हमारे देश में, डलहौजी नाम का एक अंग्रेज आया और उसने एक अत्याचारी कानून बनवा दिया इस देश में। उस कानून को दुर्भाग्य से अभी तक हम चला रहे हैं। उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन को हड़पने का कानून। अगर सरल हिंदी में बोले तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम। लेकिन इससे असली बात पता नहीं चलती, असली बात पता चलती है जमीन को छीनने का कानून, इससे पता चलता है। अधिग्रहण और छीनने में जमीन आसमान का अंतर है। अधिग्रहण में पता है क्या होता है? आपसे मुझे जमीन लेनी है और आपको अपनी जमीन मुझे बेचनी है, तो आपकी राजी है बेचने की और मेरी राजी है खरीदने की, तब तो होगा अधिग्रहण। जब मेरी राजी नहीं जमीन बेचने की और आप जबरदस्ती मेरी जमीन पे कब्जा कर लोगे, तो वो है छीनना, अपहरण करना जमीन का। तो डलहौजी नाम के एक अंग्रेज ने ये कानून बना दिया कि भारत के जितने किसानों के पास जमीनें हैं ये सब छीन ली जाए। और उस कानून को उसने पारित करवा दिया 1840 में लैंड एक्विजिशन एक्ट के नाम पर। परिणाम ये हुआ कि सारे देश के 10 करोड़ किसानों से अंग्रेजों ने जमीनें छीनी, गांव गांव जमीनें छीनी। डलहौजी भारत में 10 साल रहा और वो भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उस जमाने का। अंग्रेजों के सबसे बड़े अधिकारी को गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। तो डलहौजी गवर्नर जनरल की हैसियत से आया, 10 साल रहा। 10 साल के समय में उसने अपनी एक डायरी मेंटेन की। डलहौजी की एक आदत थी कि रोज की रोज वो अपनी डायरी लिखता था। तो 1857 से और 1846 के बीच की जो डायरी है उसकी, उसके बहुत सारे पन्ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में रखे हुए। उन पन्नों की कुछ फोटोकॉपी हमारे पास भी है, तो उसमें से एक वाक्य सुनाता हूँ। डलहौजी लिख रहा है अपनी डायरी में कि मैंने लैंड एक्विजिशन एक्ट की मदद से हर दिन कम से कम 35,000 किसानों से जमीनें छीनी हैं हर दिन। और मेरी जो पूरी फौज है, माने अंग्रेजों की जो पूरी आर्मी है, इसने भारत के करोड़ों किसानों से जमीनें छीनी होंगी। जब मैं अकेला एक दिन में 35,000 किसानों से जमीनें छीन सकता हूं और 10 साल लगातार मैंने ये काम किया है, तो मेरे सैनिकों ने कितना बड़ा पराक्रम किया होगा, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। ऐसा उसने एक वाक्य लिखा है। तब पता चलता है कि डलहौजी जैसा कुख्यात अंग्रेज अधिकारी एक दिन में 35,000 किसानों को भूमिहीन बनाता था। 10 साल वो ये काम करता था। फिर वो चला गया, फिर दूसरा अंग्रेज आया जिसका नाम था केनिंग। केनिंग ने भी यही काम किया। फिर केनिंग चला गया, उसके बाद तीसरा आया, फिर चौथा आया,
और आखिरी अंग्रेज जो इस देश में था माउंट बेटन, तब तक यही सिलसिला चलता रहा जमीनों को छीनने का। और माउंट बेटन जब यहाँ से गया तब उस समय आंकड़ा था कि 10 करोड़ किसानों से अंग्रेजों ने जमीनें छीनी और वो भूमिहीन हो गए। और ये कानून अंग्रेजों ने लागू किया इस देश पर। सबसे बड़ा अत्याचार ये था अंग्रेजों ने जो किसानों पर किया। दूसरा अत्याचार अंग्रेजों ने जो किया किसानों पर वो ये कि किसानों से लगान वसूल करते थे अंग्रेज। डलहौजी के समय में किसानों से जो लगान वसूला जाता था वो कुल उत्पादन का 90% होता था। इसको सरल तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए कोई किसान 100 क्विंटल गेहूं पैदा करे तो अंग्रेजों की सरकार उससे 90 क्विंटल गेहूं छीन लेती है टैक्स के रूप, लैंड रेवेन्यू के रूप। कोई किसान 100 क्विंटल धान पैदा करे तो 90 क्विंटल धान उसका छीन जाता था। कोई किसान 100 क्विंटल दाल पैदा करे तो 90 क्विंटल दाल अंग्रेज ले लिया करते थे। माने उत्पादन पर अंग्रेज टैक्स लिया करते थे किसानों से और वो 90% होता था। और ये अत्याचार पूरे भारत के करोड़ों किसानों पर अंग्रेजों ने किया था। एक अत्याचार किया जमीन छीनी, दूसरा अत्याचार किया कि 90% लगान लगा दिया उत्पादन पर, और तीसरा उससे भी बड़ा अत्याचार था कि किसानों के घरों में जो माताएं होती थी, बहनें होती थी, बेटियां होती थी, अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा उनके बेइज्जती की, अपमान किया और उनके साथ बलात्कार किया। जिस थोड़े देर पहले मैंने जिस अंग्रेज का नाम लिया नील, नील कानपुर में पोस्टेड था अंग्रेजों की तरफ से सेना का अधिकारी। उसने अपनी डायरी में लिखा है कि हमको आदेश दिया गया था कि हर दिन हम गांव में जाएं और गांव में जो माताएं बहनें स्त्रियां हमें मिले उनको हम नंगा करें, नंगा करके उनके शरीर के एक एक हिस्से को गर्म सलाखों से दागें। और इतना ही नहीं, भारत की स्त्रियों के स्तनों के अग्रभाग को चिमटे से तब तक दबाएं जब तक कि उसमें खून ना निकले। ये नील ने अपनी डायरी में लिखा और वो कहता है कि हमको आदेश मिला था कि जब तक भारत में हमें रहना है इसी तरह के अत्याचार गांव-गांव की स्त्रियों पर करने। तो ये अत्याचार बड़े पैमाने पे गांव के किसानों की माताओं बहनों के साथ हुए। और एक और अत्याचार अंग्रेजों ने किया जिसको भारत के किसान कभी पसंद नहीं कर सकते। भारत के किसानों की जीविका का जो सबसे बड़ा आधार है वो गाय है। हमारे देश में खेती का पूरा तंत्र गाय पर आधारित है। अच्छी खेती होती रही इस देश में तो उसका कारण था गाय का गोबर और गाय का मूत्र। 1840 के आसपास अंग्रेजों ने भारत के खेती का एक सर्वेक्षण कराया था और वो सर्वेक्षण करने वाला जो अंग्रेज था उसका नाम था थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने भारत के गांव-गांव में जाकर आंकड़े इकट्ठे किए थे। तो वो कहता है कि भारत के साधारण खेतों में एक एकड़ खेत में 56 क्विंटल धान पैदा होता है जो दुनिया के किसी देश में नहीं होता। जिस समय थॉमस मुनरो ने ये आंकड़ा अपने सर्वे में लिखा है उस समय के बारे में थॉमस मुनरो कह रहा है कि दुनिया के सबसे अच्छे खेतों में एक एकड़ में 30 क्विंटल से ज्यादा धान कभी भी पैदा नहीं हुआ, लेकिन भारत के खेतों में एक एकड़ में 56 क्विंटल धान पैदा हो रहा है। उसका एकमात्र कारण है गाय का गोबर और गाय का मूत्र। वो कहता है भारत की गाय का जो गोबर है और भारत की गायों का जो मूत्र है वो दुनिया में सबसे अच्छा फर्टिलाइजर है और सबसे अच्छा पेस्टिसाइड है। तो भारत की गाय हमारे किसानों के लिए बहुत महत्व की रही है। हमने ऐसे ही गाय को माँ नहीं कहा है। माँ कहने के पीछे कई बड़े कारण रहे। उनमें से एक कारण है कि गाय के गोबर और मूत्र से खेत का उत्पादन अच्छा हो। दूसरा बड़ा कारण रहा कि गाय का दूध हमारे बच्चों के लिए और शरीर के सभी अंगों के लिए पुष्टिकारक है। आपको एक रहस्य की जानकारी देना चाहता हूं। दुनिया में मां के दूध को छोड़कर जितने भी जानवरों का दूध पिया जाता है
जैसे गाय का दूध, जैसे भैंस का दूध, जैसे बकरी का दूध, जैसे ऊंटनी का दूध, जैसे हथनी का दूध, जैसे घोड़ी का दूध, माँ को छोड़कर जितने जानवरों का दूध हम पी सकते हैं उन सभी दूधों में और गाय के दूध में जमीन आसमान का अंतर। और वो अंतर क्या है? किसी भी दूध में आयरन नहीं होता, सिर्फ गाय के दूध में ही आयरन होता है। कैल्शियम तो सभी दूध में मिलेगा, गाय के दूध में, भैंस के दूध में, बकरी के दूध में, भेड़ के दूध में, गधी के दूध में, घोड़ी के दूध में, ऊंटनी के दूध में, हथनी के दूध में कैल्शियम मिलेगा, आयरन नहीं है। आयरन सिर्फ गाय के ही दूध में, भैंस के दूध में भी नहीं, सिर्फ गाय के दूध। तो भारत के लोग गाय के दूध को सर्वोच्च मानते रहे, सबसे अच्छा मानते रहे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आयरन बेस्ड है, लोहा सबसे ज्यादा है गाय के दूध में। तो इसलिए गाय को हमने माना कि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, खेतों के लिए भी और शरीर को मिलने वाले दूध के लिए। और हमारे यहाँ खेती होती रही बैलों के द्वारा। ट्रैक्टर तो अंग्रेजों ने लाया इस देश में, अंग्रेजों के पहले तो सब खेती बैलों से होती थी और बैल गाय के द्वारा ही आते हैं। तो बैल हमारी खेत के लिए जरूरी है तो गाय बहुत जरूरी है, गोबर गोमूत्र बहुत जरूरी है तो गाय बहुत जरूरी है, दूध और घी बहुत जरूरी है तो गाय बहुत जरूरी है। इसलिए किसान गाय को बहुत महत्व देते रहे। अंग्रेजों ने इसी गाय को काटना शुरू किया था इस देश में। इतिहास के कुछ दस्तावेजों की एक जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये, अंग्रेजों के पहले भारत के किसी भी राजा ने कभी भी गाय को काटने नहीं दिया। हमारे भारत में सबसे कट्टर जो मुस्लिम राजा माना जाता है ना, औरंगजेब, जो मंदिर तोड़ देता था, मूर्तियों को खंडित कर देता था, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाता था, हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाता था, जजिया का मतलब होता हाउस टैक्स, वो औरंगजेब ने भी कभी गाय नहीं कटने दी इस देश। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि औरंगजेब का साम्राज्य भारत में जितने स्थानों पर था वहां कानून था कि अगर किसी ने गाय को काटा तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। और कुछ समय तक तो औरंगजेब ने इतना सख्त कानून बनाया कि अगर किसी ने गाय को काटा तो उसको तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाए। ये औरंगजेब के समय में। अब औरंगजेब से ज्यादा कट्टर मुस्लिम राजा नहीं हुआ कोई इस देश में, लेकिन वो भी गाय को नहीं कटने देता। मैंने इसको बड़ा खोजने की कोशिश की कि क्या औरंगजेब को गाय से प्रेम था या कोई और दूसरी बात थी। तो एक जगह औरंगजेब ने खुद लिखा है, उसके अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, वो ये कहता है कि मेरे पिताजी ने मरते समय मुझे एक ही वचन लिया था। उसका पिता जब मरा औरंगजेब का, तो कहता मेरे पिताजी ने मरते समय मुझसे एक ही वचन लिया था कि बेटा भारत पर अगर शासन करना है तो गाय को काट कर नहीं हो पाएगा, ये तुम ध्यान रखना। तुमने अगर गाय कटवाई तो तुम्हारा शासन इस देश में एक दिन भी नहीं चल पाए। तो वो कहता मैंने पिताजी को पूछा क्यों, तो उसने कहा कि पिताजी ने मुझे समझाया कि तुमसे ज्यादा शासन मैंने किया है इस देश पर, मुझे मालूम है कि भारत के लोग गाय को बचाने के लिए किसी को भी काट सकते हैं। वो कहता एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा मजाक में कि तुमने अगर गाय काटी तो तुम्हारी गद्दी एक दिन नहीं रहेगी इस देश में, तुम्हारी सल्तनत एक दिन नहीं चलेगी, इसलिए गाय को मत काटना, बाकी किसी को काटते रहे, गाय को मत काट, भैंस को काट लेना, बकरी को काट लेना, बकरे को काट लेना, भेड़ को काट लेना, गधे और घोड़े को कटवा लेना, ऊंट को कटवा लेना, गाय मत कटवा। तो औरंगजेब ने जिंदगी भर अपने पिता की इस बात को अपनाया, उसने गाय नहीं कटने दी इस देश। औरंगजेब के अलावा एक और बड़ा मुस्लिम शासक जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, अकबर। अकबर के जमाने में भी यही कानून था कि कोई गाय काटेगा तो उसके दोनों हाथ काटे जाएं, दोनों कान काटे जाएं और जीभ काटी जाए।
तो अकबर रहा हो, औरंगजेब रहा हो, शाहजहां रहा हो, हुमायूं रहा हो या बाबर रहा हो, इन सब ने गाय को माना, महत्व दिया और उसको कटने नहीं दिया। और उसके पहले तो कोई सवाल ही नहीं था भारत में गाय कट सके। अंग्रेजों ने सबसे पहले गाय काटना शुरू किया 1760 में। 1760 में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया बंगाल पर, और बंगाल में पहला कतलखाना अंग्रेजों ने खोल दिया कलकत्ता में। कलकत्ता में जो कतलखाना अंग्रेजों ने खोला, उस कतलखाने को आजादी के 63 साल के बाद भी हम बंद नहीं करा, अभी भी वो चालू। अंग्रेजों ने जो कतलखाना कलकत्ते में खोला था, उस कतलखाने में एक दिन में 300 गाय कटती थी। अब आजादी के 63 साल के बाद उसी कतलखाने में एक दिन में 14,000 गाय कट रही है। ये कतलखाना कलकत्ते में मोरी ग्राम नाम के एक स्थान पर है, आप वहां चले जाइए, आपको उसके सारे प्रमाण मिल जाएंगे। अंग्रेजों ने गाय कटवाना शुरू किया, और अंग्रेजों को गाय कटवाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? दो उद्देश्य थे, एक तो ये था कि उनको गाय का मांस खाना है, दूसरा उद्देश्य था किसानों को बर्बाद करना। और किसानों को क्यों बर्बाद करना है? तो सारे अंग्रेज अधिकारी ये कहा करते थे कि भारत में अगर अंग्रेजों की सरकार को कोई उखाड़ेगा तो ये भारत के किसान ही उखाड़ेंगे, इसलिए इनको बर्बाद करो किसानों को। तो गाय कटे, बैल कटे, तो खेत के लिए गोबर ना मिले, मूत्र ना मिले, तो खेत में उत्पादन कम हो, तो किसान गरीब हो जाए। और किसानों के ऊपर लगान इतना लगा दो 90% कि वो कभी खड़े ही ना हो पाए। किसानों की जमीनें छीन लो ताकि वो जिंदगी भर के लिए हमारे गुलाम हो जाए। इतने अत्याचार किसानों पर अंग्रेजों ने किए थे, इसलिए 1857 की जो बगावत हुई, जो विद्रोह हुआ, उसमें किसान सबसे आगे थे। 4.5 करोड़ किसानों ने भाग लिया था उस बगावत। और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि किसानों के पास बंदूकें नहीं थी, तलवारें नहीं थी, क्योंकि वो सैनिक नहीं थे, फिर भी हसीये से और गड़ासे से लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। अब हुआ क्या कि इसमें अंग्रेज मारे गए बड़े पैमाने पर। जब किसानों ने विद्रोह किया तो अंग्रेज मारे गए। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि मुश्किल से 2 या 3 अंग्रेज जिंदा बचे थे, बाकी सब मारे गए 1857 की लड़ाई। अब ये जो 2-3 अंग्रेज बच गए, ये भागकर लंदन पहुंच गए। लंदन जाकर इन्होंने कहानी सुनाई कि हमारे साथ भारत में ऐसा हुआ है। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन हुआ, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सारे MPs एक साथ बैठे, और उसमें सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा यह था कि दोबारा भारत पर कब्जा कैसे किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा, कैसे दोबारा भारत को गुलाम बनाया जाए। उस जमाने में अंग्रेजों की संसद का जो सबसे बड़ा नेता था विलियम विल्बरफोर्स, वो ये स्वीकार कर रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि 10 मई 1857 से भारत में जो विद्रोह शुरू हुआ, उस विद्रोह ने 19 सितंबर 1857 तक अंग्रेजों के संपूर्ण शासन को भारत में खत्म करा दिया। माने 19 सितंबर 1857 तक अंग्रेजों का शासन पूरे भारत से खत्म हो चुका था, एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा था, और कहीं पर यूनियन जैक नहीं था, सब जगह भारत का झंडा था, सारी रियासतें आजाद थी, सारे जिले आजाद। तब अंग्रेजों की संसद में लगातार बहस हुई, और उस बहस में अंग्रेजों ने तय किया कि दोबारा भारत पर कब्जा करना है, दोबारा भारत को गुलाम बनाना है, तो इसके लिए हमें भारत के उन राजाओं से मदद लेनी है जो अंग्रेजों के समर्थक हैं। तो ऐसे राजाओं की लिस्ट बनाओ। विल्बरफोर्स ने पार्लियामेंट के MPs से कहा कि जो जो भारत के राजा अंग्रेजों की मदद कर सकते हैं उनकी एक सूची बनाओ, फिर उन राजाओं से हम संपर्क करें, फिर उन राजाओं की सेनाएं हमें काम करने के लिए मिलें, फिर हमारी सेना और हमारे भारत के राजा जो समर्थक हैं उनकी सेना दोनों मिलकर क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़ें, और तब जाकर भारत फिर हमारी गुलामी में आए। अब मुझे एक शर्मनाक बात आपसे कहनी है, वो ये कि जब राजाओं की लिस्ट बनना शुरू हुआ
तो बिल्वर फोर्स से पूछा गया कि तुम बताओ सबसे पहला राजा कौन है जो अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद करेगा भारत। तो पहला नाम पूरी अंग्रेज संसद ने जो बताया, जीवाजी राव सिंधिया। मुझे ये नाम लेते हुए बहुत शर्म आती। अंग्रेजों का कहना था कि जीवाजी राव सिंधिया का खून ऐसा है जो हमेशा अंग्रेजों की तरफदारी ही करेगा, कभी भी भारत के साथ में नहीं रहेगा। तो जीवाजी राव सिंधिया को चिट्ठी लिखी गई और उस चिट्ठी की कॉपी हमारे पास है। उस चिट्ठी में अंग्रेजों ने कहा जीवाजी राव सिंधिया से कि आप हमारी क्या मदद करेंगे, हम भारत पर दोबारा हमला करना चाहते हैं। तो जीवाजी राव सिंधिया का उत्तर था कि मेरी पूरी सेना अंग्रेजों की सेवा में लगी रहेगी, आप उस सेना की मदद से क्रांतिकारियों को मारो, पीटो, खत्म करो और फिर भारत पर कब्जा करो। और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि ना सिर्फ सेना बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं मेरे खजाने की मैं अंग्रेजों को देने के लिए तैयार हूं, आप भारत के क्रांतिकारियों पर फिर हमला करो। इस पर ताली मत बजाइए, शर्म की बात। अब उस जमाने में हुआ क्या था कि जीवाजी राव सिंधिया की 2 सेनाएं थी, एक उनकी पर्सनल सेना थी जिसमें 40,000 सैनिक थे और एक उनके राज्य की सेना थी जिसमें 1,00,000 सैनिक थे। 1,00,000 सैनिकों की राज्य की सेना और 40,000 उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सेना, दोनों मिलकर 1,40,000 सैनिकों को अंग्रेजों के हवाले कर दिया था और करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं भी अंग्रेजों को दे दी थी क्रांतिकारियों को मारने के लिए। दूसरे जिस राजा ने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा मदद की, वो नाम भी लेने में मुझे बहुत शर्म आती है, पटियाला का जो राजघराना है, जिस राजघराने में कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी बहुत दिन तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद की। पटियाला राजघराने ने 80,000 से ज्यादा सैनिक अंग्रेजों को दिए क्रांतिकारियों को मारने के लिए। तीसरा जो राजघराना था जिसने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद की, वो जींद है। जींद हरियाणा में एक रियासत हुआ करती। चौथा राजघराना है वो नाभा है, नाभा पंजाब में एक बड़ी रियासत थी। पांचवा राजघराना है वो निजाम हैदराबाद का है, सालार जंग, वो आप जानते ही हैं, दक्षिण भारत का। ऐसे 60 से 70 राजघरानों ने अंग्रेजों को हजारों लाखों सैनिक दिए, तब अंग्रेजों ने दोबारा से भारत पर हमला किया। और ये हमला 1 नवंबर 1857 से शुरू होकर 1 नवंबर 1858 तक चला और इस हमले में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई, इसी हमले में तात्या टोपे शहीद हुए, इसी हमले में नाना साहब पेशवा शहीद हुए, इसी हमले में वासुदेव बलवंत फड़के शहीद हुए, इसी हमले में चौधरी लियाकत अली शहीद हुए, इसी हमले में अजीमुल्ला शहीद हुए और इन्हीं हमलों में 7,32,780 क्रांतिवीर शहीद हुए। और तब जाकर अंग्रेजों ने दोबारा भारत पर कब्जा किया और 1 नवंबर 1858 को भारत पर दोबारा से कब्जा होने के बाद ब्रिटेन की महारानी ने एक ऐलान किया कि अब के बाद से भारत में हम जो भी कुछ करेंगे वो सब कानून के आधार पर करेंगे। और उसके बाद से अंग्रेजों ने इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करना शुरू किया और उसके बाद सभी कानून बनने शुरू हुए। सबसे पहला कानून अंग्रेजों ने बनाया इंडियन पुलिस एक्ट। और इस कानून को बनाने के पीछे की जो भूमिका थी वो ये कि दोबारा से भारत के क्रांतिकारी अंग्रेजों पर हमला ना कर सकें, इसके लिए पुलिस फोर्स रखो ताकि क्रांतिकारियों को दबाया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए पुलिस बनाई अंग्रेजों। अंग्रेजों के पहले भारत के किसी राजा ने पुलिस नहीं बनाई, सेना बनाई थी, पुलिस नहीं बनाई। सेना का काम है विदेशी हमले से देश की रक्षा करना, लेकिन पुलिस का काम था क्रांतिकारियों को दबाना, मारना, कुचलना, उनके ऊपर अत्याचार करना। और जो पुलिस का कानून अंग्रेजों ने बनाया इंडियन पुलिस एक्ट, इस कानून में एक अद्भुत बात उन्होंने डाली है जो दुनिया के किसी भी पुलिस कानून में नहीं है। वो बात है राइट टू ऑफेंस
हर पुलिस अधिकारी को है, राइट टू डिफेंस किसी भी भारतीय को नहीं है इस कानून। इसको सरल तरीके से समझाता हूं, अगर कोई पुलिस वाला आपको डंडे से पीटने लगे तो ये उसका अधिकार है कि वो आपको डंडे से मारे। आप अगर उसका डंडा पकड़ने की कोशिश करेंगे तो मुकदमा आपके खिलाफ चलेगा कि आपने पुलिस वाले को ड्यूटी करने से रोका। उसकी ड्यूटी क्या है? डंडे से मार के आपका सिर फाड़ दे, ये उसकी ड्यूटी है। डंडे मार मार के आपकी हड्डियां तोड़ दे, ये उसकी ड्यूटी है। ये ड्यूटी कर रहा है वो। आपको अगर लाठी चार्ज कर रहा है कोई पुलिस वाला तो कानून की भाषा में वो ड्यूटी कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है। अब आप अगर डंडा पकड़ोगे अपने बचाने के लिए तो आप उसके कर्तव्य में रुकावट बन रहे हो। और ये जो आधार दिया कानून को राइट टू ऑफेंस का, इसी आधार ने 1860 के बाद के भारत के क्रांतिकारियों को लाठियों से मार मार के खत्म किया। आपको मालूम है भारत के सैकड़ों क्रांतिकारी अंग्रेजों की लाठियां खाकर ही शहीद हो गए थे। एक क्रांतिकारी का तो नाम जरूर बताऊं, लाला लाजपत राय। इन्होंने पंजाब में एक आंदोलन किया था और वो आंदोलन क्या था, अंग्रेजों की सरकार ने एक बहुत खतरनाक कानून बनाया था, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस कानून में व्यवस्था ये थी कि किसी भी भारतवासी को अंग्रेजों की पुलिस का कोई भी अधिकारी कभी भी गिरफ्तार कर सकता है, रात के 3 बजे, रात के 2 बजे, रात के 1 बजे, और बिना मुकदमा चलाए उस भारतवासी को अंग्रेज अधिकारी 6 महीने तक बंद रख सकता है, बिना मुकदमा चलाए, बिना अदालत में पेश किए, बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतवासी को कोई अंग्रेज पुलिस अधिकारी 6 महीने तक बंद करके रख सकता है। ये था रॉलेट एक्ट। इसको विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ने एक जुलूस निकाला था लाहौर में, और उस जुलूस में शहीद आजम भगत सिंह भी थे, लाला लाजपत राय थे, हजारों लोग थे और शांतिपूर्ण जुलूस था। उस जुलूस के ऊपर एक अंग्रेज अधिकारी ने लाठी चार्ज किया। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था सैंडर्स और उसने लाला जी के सिर में 14 से ज्यादा लाठियां मारी थी जोर जोर से। लाला जी का सिर फट गया, खून इतना निकला कि हॉस्पिटल ले जाते ले जाते उनकी मृत्यु हो गई, और लाला जी की मृत्यु शहीद भगत सिंह के हाथों में हुई, क्योंकि लाला जी को जब लाठियां पड़ी वो तो बेहोश होकर गिर गए, तो उनके शरीर को हाथों में लाद कर भगत सिंह ने हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। जब भगत सिंह के सामने लाला जी की मौत हुई तो उनको गुस्सा आया, मन में था, उन्होंने सैंडर्स की शिकायत की और अंग्रेज अदालत में सैंडर्स की शिकायत हुई तो अंग्रेज अदालत ने सैंडर्स को बाइज्जत बरी कर दिया, ये कहकर कि सैंडर्स को राइट टू ऑफेंस है, लाला जी को राइट टू डिफेंस नहीं है। माने सैंडर्स चाहे तो उनका सिर फोड़ ही सकता है क्योंकि कानून ये कहता, इसलिए सैंडर्स को सजा नहीं हो सकती। तब भगत सिंह ने कसम खाई थी कि जिस सैंडर्स को पुलिस कानून के आधार पर सजा नहीं हो सकती उसको मैं सजा दूंगा, और सैंडर्स को भगत सिंह ने गोली मारी थी, ये आप सब जानते हैं, और उसी आरोप में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। फांसी की सजा के एक दिन पहले भगत सिंह को जब ये कहा गया कि भाई आपको कुछ कहना है, एक अमृतसर का अखबार निकालने वाला संपादक भगत सिंह को मिलने गया था आखिरी समय में, और उसने पूछा था कि आपकी शहादत हो रही है, आपको फांसी होने वाली है, आपको कुछ कहना है? तो भगत सिंह ने कहा था कि मुझे इतना ही कहना है कि भारत के नौजवान अपने घरों में शांत होकर ना बैठे, पूरी ताकत के साथ इस इंडियन पुलिस एक्ट को खत्म करने का संघर्ष करें, क्योंकि ये कानून अगर चलता रहेगा तो लाला जी जैसे पता नहीं कितने शहीद मरते रहेंगे। जब किसी अंग्रेज पुलिस अधिकारी के मन में आएगा वो लाठी मारेगा, सिर फोड़ेगा, टांग तोड़ेगा, कभी भी कुछ करेगा, इसलिए ये कानून तो खत्म ही होना चाहिए। और इसके बाद की एक बात और कहूंगा, जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई थी तो अंग्रेजों ने डर के मारे
फांसी एक दिन पहले दे दी। फांसी का दिन तय हुआ था 24 मार्च 1931, लेकिन फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 की शाम को। अंग्रेजों के इतिहास में वो सबसे काला अध्याय है जब उन्होंने किसी शहीद को फांसी देने के लिए एक दिन पहले काम किया। अक्सर अंग्रेजों के जेल मैनुअल में ये होता था कि फांसी सवेरे दी जाती थी, भगत सिंह को फांसी शाम को दी गई। तो फांसी पर जब ले जा रहे थे भगत सिंह को, तो अंग्रेज जो जेलर था उसने पूछा, आपकी अंतिम इच्छा बताओ। जैसे एक परंपरा है ना, पूछी जाता है कैसे, क्या अंतिम इच्छा है? तो भगत सिंह ने कहा, मेरी दो ही अंतिम इच्छाएं हैं, अगर आप पूरी करो तो। तो जेलर ने पूछा, क्या? तो एक तो भगत सिंह ने कहा कि मुझे मेरे बेबे के हाथ की रोटी खानी है फांसी पे जाने से पहले, ये मेरी पहली इच्छा है। बेबे का माने होता है माँ, पंजाबी में माँ को बेबे कहते हैं। तो भगत सिंह ने कहा कि मुझे मेरे माँ के हाथ की रोटी खानी है, ये मेरी पहली इच्छा है। और जेलर ने कहा, दूसरी इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा, इंडियन पुलिस एक्ट के कानून की कॉपी जलानी है, तब फांसी पे चढ़ूंगा। तो जेलर ने कहा, ये दोनों इच्छाएं आपकी पूरी नहीं की जा सकती। तो भगत सिंह ने कहा, क्यों? तो उन्होंने कहा, आपकी माँ के हाथ की रोटी आपको नहीं खिलाई जा सकती। क्यों? आपकी माँ को जेल में नहीं बुलाया जा सकता। भगत सिंह ने कहा, क्यों? तो उन्होंने कहा, वो अकेले नहीं आएगी, उसके साथ हजारों लोग आएंगे और वो जेल की एक एक ईंट तोड़ के ले जाएंगे और यहाँ जितने भी कैदी बंद हैं ये सब आजाद हो जाएंगे, इसलिए आपकी माँ को बुलाने का रिस्क नहीं ले सकते, और कोई बात करो। तो भगत सिंह ने कहा, फिर पूछा क्यों था, मेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो जेलर ने कहा, ये परंपरा है पूछना, तो मैंने पूछा। तो भगत सिंह ने कहा, चलो ठीक है, मेरी माँ के हाथ की रोटी तो नहीं खिला सकते, इसी जेल में और एक ऐसा भाई है उसके हाथ की रोटी खिला दो। तो जेलर ने कहा, वो कौन है? तो भगत सिंह ने कहा कि मैं सवेरे संडास के लिए जब बैठता हूँ, आपको मालूम है कैदियों के लिए अंग्रेजों ने जो व्यवस्था की हुई थी वो ये कि जहां रहते थे उसी के बगल में संडास करना पड़ता, अलग से संडास घर नहीं दिया हुआ था भगत सिंह, और ये अपमान करने के लिए किया गया। उसी कमरे में दो ईंटें रख दी थी, वहीं पर बैठकर उन्हें अपने लिए संडास की व्यवस्था करनी पड़ती, और उसको बाद में एक आदमी आता था साफ करके जाता था। तो भगत सिंह ने कहा कि मेरी टट्टी साफ करने वाला जो आदमी है इसके हाथ की रोटी खिलवा दो। तो जेलर ने कहा, क्यों? तो उन्होंने कहा, वो मेरी माँ के जैसा है। तो जेलर की बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने कहा, जरा और स्पष्ट करो, आपकी माँ के जैसा कैसा है? तो उसने कहा, बचपन में मेरी टट्टियां मेरी माँ ने उठाई हैं, अब जवानी में मेरी टट्टी को ये उठा रहा है, ये मेरी माँ के ही जैसा है, इसी के हाथ की रोटी खिलवा दो। तब उस भाई को बुलाया गया, उसने एक मोटी सी रोटी बनाई और भगत सिंह को रोटी खिलाई। भगत सिंह ने रोटी खाने के बाद फांसी का फंदा गले में डाला। लेकिन भगत सिंह की जो दूसरी इच्छा थी वो नहीं पूरी हो पाई। उनकी इच्छा थी कि मैं इंडियन पुलिस एक्ट को जलाऊंगा फिर फांसी पे चढ़ूं। तो अंग्रेजों ने कहा, ये आपको अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ कानून है और इसकी बड़ी इज्जत है। तो भगत सिंह ने कहा, ठीक है, मैं अभी फांसी पे चढ़ूंगा, फिर दोबारा जन्म लूंगा, और जब तक ये इंडियन पुलिस एक्ट भारत में खत्म नहीं होगा तब तक मेरा संघर्ष चलता ही रहेगा। अब भगत सिंह ने जिस इंडियन पुलिस एक्ट के खिलाफ इतनी कठोर टिप्पणी की थी, वो इंडियन पुलिस एक्ट आजादी के पिछले 63 साल बाद भी चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन हमने नहीं किया है। बस इतना ही हुआ है कि पहले गोरे अंग्रेजों के हाथ में लाठी थी, अब काले अंग्रेजों के हाथ में लाठी। पहले गोरे अंग्रेज उससे हमारा सिर फोड़ते थे, अब काले अंग्रेज हमारा सिर फोड़ते हैं। पहले गोरे अंग्रेजों की पुलिस लाठी चार्ज करती थी, अब काले अंग्रेजों की पुलिस वैसे ही लाठी चार्ज करती, वैसे ही अत्याचार करती, वैसे ही मारती है, वैसे ही पीटती। और मुझे तो बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि आजादी के 63 सालों के बाद हमारे काले अंग्रेजों की ये जो पुलिस है ये तो अंधों पे भी लाठी चार्ज करती है, विकलांगों पे भी लाठी चार्ज करती है।
अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में अंधे लोगों ने एक जुलूस निकाला था, पुलिस ने बर्बरता से लाठियां मार मार के सबके सिर फोड़ दिए। विकलांग लोगों का एक जुलूस निकला, पुलिस ने उस पर भी लाठी चार्ज किया। किसानों पे लाठी चार्ज, साधारण नागरिकों पे लाठी चार्ज। अभी तो मुझे हंसी आती है आपको एक बात कहते हुए, वो ये, एक दिन मैं संसद की कार्यवाही देख रहा था लोकसभा टीवी पर, तो हमारे देश में गोरखपुर से एक सांसद हैं महंत आदित्यनाथ, वो रो रो के लोकसभा में ये बयान कर रहे थे कि पुलिस ने लाठियां मुझे भी मारी है, मुझे भी नहीं छोड़ा। सांसद एक बयान कर रहा है संसद में कि पुलिस ने मुझे भी लाठियां मारी, मुझे भी नहीं छोड़ा। तो मेरे सांसद होने के विशेषाधिकार का क्या? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास कोई जवाब नहीं था ये देने के लिए, और प्रधानमंत्री शर्म से सिर झुकाकर ये सुनते रहे, गृह मंत्री भी शर्म से सिर झुकाकर ये सुनते रहे। मतलब क्या है, कानून वही है अंग्रेजों के जमाने का, तो कैसे कहें कि देश स्वतंत्र हो गया अगर कानून वही है, अत्याचार वही है, कानून वही है, नियम वही है, व्यवस्था वही है, तो कैसे माने देश स्वतंत्र हो गया। इसी तरह का एक दूसरा कानून है, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। ये कानून 1860 में अंग्रेजों ने बनाया। इस कानून में अंग्रेजों ने कलेक्टर नाम का अधिकारी नियुक्त किया। उस कलेक्टर का काम क्या था? कलेक्टर का काम ये था कि गांव-गांव जाकर लोगों से पैसे इकट्ठे करना, इसीलिए उसको नाम रखा गया कलेक्टर। अंग्रेजी का शब्द है ना कलेक्ट, माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला, क्या पैसे, पैसे इकट्ठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देने वाला अधिकारी था कलेक्टर। उसके लिए कानून बना इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। वही कानून आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है, वही कलेक्टर है, वही कानून है। बस अंतर इतना है कि पहले का कलेक्टर जो पैसे इकट्ठे करके देता था वो गोरे अंग्रेजों को देता था, आज का कलेक्टर जो पैसे इकट्ठे करके देता है वो काले अंग्रेजों को देता है। काम तो वो वही कर रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में था। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी थोड़े दिन पहले एक कलेक्टर पकड़ा गया, उसका नाम बताता हूं, अखंड प्रताप सिंह, सीनियर आईएएस अधिकारी, और वो कलेक्टर से होते 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 चीफ सेक्रेटरी के पद पर रिटायर हुआ, और उसके घर में सीबीआई का छापा पड़ा। सीबीआई ने जब छापा मारा तो 480 करोड़ रुपए उसके घर में से कैश मिला, 480 करोड़। उसके बाद भारत के जो कलेक्टर अधिकारी है ना, इनका एक एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन ने अखंड प्रताप सिंह को मोस्ट करप्ट कलेक्टर की उपाधि दी, और उनकी वेबसाइट पर यह नाम अभी तक है, आप कभी भी क्लिक करके देखो, मोस्ट करप्ट कलेक्टर अखंड प्रताप सिंह, ऐसे ही लिखा हुआ। तो 480 करोड़ रुपए मिले, तो सीबीआई के एक अधिकारी ने उसके साथ जब पूछताछ की तो प्रश्न आया कि ये 480 करोड़ आए कहां से। तब उसने जो उत्तर दिया वो आप ध्यान से सुनना, वो कहता है कि मैं कलेक्टर से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक की सभी पोस्टों पर उत्तर प्रदेश में 40 साल रहा, मेरे जो बॉस माने मुख्यमंत्री, तो उसने कहा मेरे जो बॉस रहे वो सबने मुझको टारगेट फिक्स किया हुआ था कि एक हफ्ते में इतना लूट के देना, 15 दिन में इतना लूट के देना, 21 दिन में इतना लूट के देना, महीने में इतना लूट के देना। और उसने जो हैरान करने वाली बात कही कि जितनी राजनीतिक पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के नीचे मैंने काम किया सभी ने मेरे टारगेट फिक्स किए, और अगर मैं वो टारगेट पूरे ना करूं तो मेरे ऊपर एक ही तलवार लटकती रहती थी कि मेरा ट्रांसफर किया जाएगा, और ट्रांसफर करके एक ऐसी जगह फेंक दिया जाएगा जहां मेरे बीवी बच्चे सड़ जाएं और मर जाएं। तो इसलिए ट्रांसफर के डर के चक्कर में मैं लूटता था और मेरे हर मुख्यमंत्री को पैसे पहुंचाता था। तो मैं लूटता था 10 करोड़, पहुंचाता था 8 करोड़, बीच का 2 करोड़ मैं खाता था, और वो बीच के 2-2 करोड़ इकट्ठे होते होते 480 करोड़ हो गया।
ये उसने कहानी सुने। अब इस कहानी से मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि अंग्रेजों के जमाने का कलेक्टर लूट के अंग्रेजों को देता था, आज के जमाने का कलेक्टर लूट के काले अंग्रेजों को ही तो दे रहा है। कानून तो वही है, व्यवस्था तो वही है। अंग्रेजों ने कलेक्टर के ऊपर एक अधिकारी बनाया था कमिश्नर, ये बहुत इंटरेस्टिंग अधिकारी था कमिश्नर। कमिश्नर माने जिसको पगार नहीं होती थी, कमीशन फिक्स होता, इसलिए वो कमिश्नर। आप इस पे सच में हंसना नहीं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब कमिश्नर की पोस्ट फिक्स की तो जो डिबेट हुई है वो डिबेट ये कहती है कि कमिश्नर को तनख्वाह नहीं होगी, उसको कमीशन होगा, इसलिए वो कमिश्नर। तो कमिश्नर बनाया अंग्रेजों ने, कलेक्टर बनाया अंग्रेजों ने, और वो कमिश्नर आज भी है, कलेक्टर आज भी है। काम वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था, लूटना और अपने ऊपर के अधिकारियों को देना। आज भी वो लूट रहे हैं और अपने ऊपर के अधिकारियों की जेबें भर रहे हैं, और अधिकारियों की जेबें भर के और अपनी जेबें भर के सारे देश में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा साम्राज्य इस देश में खड़ा कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि कलेक्टर और कमिश्नर जैसे अधिकारियों के कानून अगर चलते रहेंगे तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार करने के लिए बनाए हुए अधिकारी हैं। हम लोग तो गाली देते हैं इनको सिविल सर्वेंट बोलकर, ये सिविल सर्वेंट थोड़ी है, ये तो लूटने वाले अधिकारी हैं जो ऊपर वालों की जेब गर्म करें। अब फालतू में आप उनको सिविल सर्वेंट कहते रहे तो कहते रहिए, मूल काम तो उनका लूटना है और ऊपर वाले को देना है बस। और भारत में 99% कलेक्टर और कमिश्नर इसी काम में लगे हुए हैं, लूट रहे हैं और अपने अपने अधिकारियों को पैसे दे रहे हैं, और उनके अधिकारी कभी मुख्यमंत्री हैं, कभी प्रधानमंत्री हैं, कभी वित्त मंत्री हैं, कभी वाणिज्य मंत्री हैं, कभी कृषि मंत्री हैं, ये उनके इमीडिएट बॉस हैं, उन्हीं की जेबें भर रहे हैं। और ये जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री स्तर पर बैठे हुए नेता, ये क्या कर रहे हैं? कलेक्टर और कमिश्नर से लूटा हुआ पैसा विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं, स्विस बैंकों में जमा कर रहे हैं। और हमारे देश के भ्रष्ट नेता और अधिकारियों ने मिलकर स्विस बैंकों में 72 लाख करोड़ रुपए तो जमा कर लिया है। इसको भारत सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले स्वीकार किया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस समय एक मुकदमा चल रहा है कि भारत के भ्रष्ट नेता और अधिकारियों का कितना पैसा विदेशी बैंकों में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत के वित्त मंत्री को नोटिस दिया। नोटिस पर जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि लगभग 72 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंकों में जमा है। 72 लाख करोड़। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरी बात कही कि ये तो स्विट्जरलैंड की बैंकों में है, इसके अलावा और कुछ है क्या? तो वित्त मंत्री ने कहा कि 70 देश और भी हैं दुनिया में, वहां की बैंकों में भी है, वो कितना है? तो वित्त मंत्री ने कहा कि उसका अंदाजा है कि वो 258 लाख करोड़ रुपए। 72 लाख करोड़ तो स्विस बैंकों में है, 70 और देशों की बैंकों में 258 लाख करोड़ है, कुल मिलाकर 300 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम तो नेता और अधिकारियों ने 63 साल में लूटकर विदेशों में जमा कर ली है। अखंड प्रताप सिंह उसमें से एक नमूना है। अब मैं जब कंपैरिजन करता हूं तो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 250 साल इस देश में जो लूट की थी वो 300 लाख करोड़ की थी, और इन काले अंग्रेजों ने 63 साल में ही वो रकम क्रॉस कर ली। इन्होंने तो 63 साल में ही 325 लाख करोड़ से ज्यादा लूट के विदेशों में जमा कर लिया। इसका माने अंग्रेज मरे नहीं है, उन्हीं की आत्मा हमारे लोगों में प्रवेश कर गई। मुझे तो कई बार दिखाई देता है कि भारत के सारे भ्रष्ट नेता रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही दिखते। रॉबर्ट क्लाइव की कहानी आपको मालूम है? सबसे बड़ा अंग्रेज लुटेरा था,
वो गवर्नर जनरल जब बना और कलकत्ता पे और उसने राज शुरू किया बंगाल के प्लासी के युद्ध के बाद, तो उस युद्ध में करीब 7-8 साल वो रहा इस देश में गवर्नर जनरल बन के। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और रॉबर्ट क्लाइव ने ये युद्ध जो है ना बेईमानी से, चतुराई से, चालाकी से, धोखा देके जीता। युद्ध में हुआ ये था कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव ने रिश्वत देकर उसको तोड़ा था। और मीर जाफर का जो दीवान था दुर्लभ राम, रॉबर्ट क्लाइव ने उसको भी रिश्वत देके तोड़ा था। और मीर जाफर का, माफ करना, सिराजुद्दौला का जो दीवान था दौलत राम, उसको तोड़ा था। मीर जाफर जो सेनापति था उसको तोड़ा था। और एक जगत सेठ नाम का बहुत बड़ा उद्योगपति हुआ करता था कलकत्ता में, उसको रॉबर्ट क्लाइव ने रिश्वत देकर तोड़ा था। इन तीन लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव की मदद की थी और उस मदद से उसने प्लासी का युद्ध जीत लिया था। युद्ध जीतने के बाद उसने लूट मचाई थी कलकत्ता में और लूटा हुआ सारा सामान वो लंदन लेके गया था। तो लंदन की पार्लियामेंट ने उससे पूछा था कि भारत से तुम क्या लूट कर लाए, तो उसने कहा सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे, जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, ये सब मैं लूट के लाया। तो कितना लूट के लाए, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको पूछा, तो उसने कहा मैंने गिना नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर था उस समय इंग्लैंड का, उसका नाम था ग्लैडस्टन। तो ग्लैडस्टन ने कहा कि तुम अंदाजा बता दो, गिना नहीं है। तो उसने कहा अगर अंदाजा लगाना है लूट के माल का तो ऐसे लगाओ कि भारत से लूटे हुए धन और संपत्ति को लंदन तक लाने में मैंने पानी के 900 जहाज किराए पर लिए, 900 ships। तो ग्लैडस्टन ने पूछा तुम्हारे एक शिप में कितना माल आता है, तो उसने कहा कम से कम 70 मीट्रिक टन एक शिप में आता, ऐसे 900 शिप भर के मैं भारत से लाया। तो रॉबर्ट क्लाइव कितना बड़ा लुटेरा था आप उसका अंदाजा लगा लो। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भारत के आज के जो लुटेरे नेता है वो मुझे रॉबर्ट क्लाइव की ही आत्मा दिखाई देते। एक हमारे देश में मधु कोड़ा नाम का है नेता, आपने कहानी सुनी झारखंड में, वो 2 साल मुख्यमंत्री रहा, सिर्फ 2 साल। और 2 साल के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उसने 5,600 करोड़ रुपए लूटा झारखंड के खजाने। और वो भारत में ऐसा अद्भुत मुख्यमंत्री था जो किसी पार्टी का नहीं था, निर्दलीय था। हाँ, पार्टी का होता तो शायद 10-20 हजार करोड़ लूटता, निर्दलीय था इसलिए 5,600 करोड़ लूटा 2 साल में। अब मैं यही हिसाब लगाते लगाते परेशान हूं कि एक मुख्यमंत्री झारखंड जैसे गरीब राज्य में 2 साल के लिए मुख्यमंत्री हो जाए तो 5,600 करोड़ लूट सकता है, तो जो मुख्यमंत्री भारत के सबसे अमीर राज्यों में 10-10 साल तक रहे हैं उन्होंने कितना लूटा होगा अंदाजा आप लगाओ। मध्य प्रदेश में ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जो 10 साल रहे, उनके नाम आप अच्छे से जानते हो, अंदाजा लगाओ कितना लूटा होगा। जब 2 साल में 5,600 करोड़ झारखंड से लूट सकता है तो 10 साल में मध्य प्रदेश से 50,000 करोड़ लूटना कोई बड़ी बात नहीं। और ये मधु कोड़ा जैसे भारत में एक दो नेता नहीं है, 80,000 नेता हैं ऐसे जो लूट रहे हैं पूरे देश को। इनमें से कुछ नेताओं की हमने जन्म कुंडली बनाई है, ये जन्म कुंडली वो वाली नहीं राहु केतु वाली, जन्म कुंडली ये कि ये नेता राजनीति में आया तो इसके घर में क्या था और राजनीति में 10 साल रहने के बाद क्या हो गया। तो 2-3 उदाहरण देता हूं बिना नाम लिए, आप समझ जाओगे आप सब होशियारों में किसके बारे में कह रहा हूं। एक नेता है महाराष्ट्र से, वो महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्र सरकार में इस समय कैबिनेट मंत्री हैं। इनकी जन्म कुंडली हमने बनाई तो पता चला कि 20 साल पहले इनके घर में टूटी साइकिल नहीं थी, 20 साल पहले टूटी साइकिल नहीं। और अब उनकी संपत्ति के बारे में जब पता चला तो मालूम हुआ
कि बंबई से पूना के बीच में 180 किलोमीटर में जितनी जमीन है वो अकेले उस एक नेता की, और उस जमीन की संपत्ति का आकलन जब किया हमने तो वो 72,000 करोड़ रुपए की बैठी। 20 साल पहले घर में टूटी साइकिल नहीं थी, आज 72,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। ऐसे एक दूसरे नेता हैं, वो भी इस समय केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, महाराष्ट्र में एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 20 साल पहले उनके घर में चाय पीने के लिए पैसे नहीं होते थे। जब हम उनके गांव में गए पता करने के लिए तो गांव वाले कहते थे कि भैया ये चाय भी हमारी जेब के पैसे से पीता था। और अब वो केंद्र सरकार में मंत्री है, और केंद्र सरकार के मंत्री होने के पहले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रह चुका है। आज उसकी संपत्ति का आकलन उनके गांव के लोग बताते हैं 55 से 60 हजार करोड़ का है। ऐसे एक तीसरा नेता है, वो भी केंद्र सरकार में मंत्री है और महाराष्ट्र में मंत्री रह चुका है। नासिक जिले में 20 साल पहले वो सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था और पुलिस ने उसको कई बार पकड़ा था सिनेमा का टिकट ब्लैक करते हुए। आज उसकी संपत्ति 45,000 करोड़ के आसपास। एक और नेता है, 20-22 साल पहले वो दादर रेलवे स्टेशन पे पालक और मेथी बेचता था। उसकी फोटो है हमारे पास 20 साल पहले की, मेथी पालक बेचते हुए। आज वो केंद्र का मंत्री है, महाराष्ट्र राज्य में मंत्री 2 बार रह चुका है। उसकी संपत्ति करीब 48,000 करोड़। और ऐसे एक दो नाम नहीं है, 80,000। अब हमारे सामने एक धर्म संकट है। वो धर्म संकट क्या है कि अंग्रेज आए और लूट कर ले गए इस देश में से 300 लाख करोड़, और उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और उनको मारपीट के यहां से भगा दिया। अब ये काले अंग्रेज पैदा हो गए और इन्होंने 325 लाख करोड़ लूट कर विदेशी बैंकों में जमा कर दिया। अब इनके खिलाफ क्या करें? यही धर्म संकट हमें खाए जाता। अंग्रेजों के खिलाफ तो हमने संगठन बनाया और लड़ाई लड़ी, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के आदि आदि इकट्ठे हुए और लड़े और मार के भगा दिया। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से देश को छुड़ा लिया। अब ये काले अंग्रेज जो 63 साल में पैदा हो गए हैं और ये देश को लूट कर विदेशी बैंकों में पैसे जमा कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या करें? ये सवाल लेके मैं बहुत लोगों के पास गया तो कई लोग मुझे ऐसा मिले, उन्होंने इसका उत्तर क्या दिया, वो ऐसा उत्तर देते बड़े फिलोसॉफिकल तरीके से। वो कहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाने वाले हो। ये तो जवाब देते। और फिर 2-3 बातें बोल के आगे कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या, तुम अपनी जवानी क्यों बेकार कर रहे हो, तुम भी इसी लूट में लग जाओ, 10-20 हजार करोड़ तुम भी कमा लो। ऐसे हैं हमारे देश में महान लोग हैं कई। और ये जो उत्तर देने वाले हैं ना, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं है। मैं आपको नाम नहीं ले सकता उनके, क्योंकि मुझे परम पूजनीय स्वामी जी ने मना कर रखा है, लेकिन संकेत में बताना चाहता हूं कि जो लोग मुझे ये उत्तर देते रहे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, ये वो लोग हैं जिनके भाषण सुनने के लिए हजारों लोग जमा होते, हजारों लोग, आप जैसे लोग जमा होते। और उनकी जब राम कथा, कृष्ण कथा और भागवत कथा होती है तो एक एक शहर से 10-10 करोड़ लेके जाते। वो उत्तर देते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, माने लूट रहा है तो अच्छा ही हो रहा है, आगे लूटेगा और भी अच्छा होगा, तुम क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हो, अपनी जवानी क्यों इसमें गंवा रहे हो। तो मैं पूछता हूं क्या करूं बापू जी, कहते हमारे साथ आ जाओ।
आ जाओ हमारे साथ। तो एक तो ये उत्तर है हमारे देश के लोगों का, और एक दूसरा उत्तर बार बार मन में आता है कि अगर ऐसा ही उत्तर नाना साहब पेशवा ने दिया होता कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा वो और भी अच्छा होगा, तब तो 1857 का युद्ध ही नहीं हुआ होता। अगर ऐसा ही उत्तर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दिया होता, अगर ऐसा ही उत्तर तात्या टोपे ने दिया होता, ऐसा ही उत्तर महात्मा गांधी ने दिया होता, ऐसा ही उत्तर शहीद आजम भगत सिंह ने दिया होता, तब तो कुछ होता ही नहीं। उन्होंने जो उत्तर दिया था वो ये था, जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, और इस अच्छे नहीं होते हुए को अगर नहीं रोका तो आगे और भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए अंग्रेजों को मारकर भगाना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने भी इसी उत्तर को अपने जीवन में धारण कर लिया कि अगर हमारे क्रांतिवीरों ने गोरे अंग्रेजों को मारकर भगाया था इस देश में, कि 2014 का जब चुनाव आएगा तो एक एक चुनाव क्षेत्र में जाकर मैं लोगों से भीख मांगूंगा कि मुझे कुछ ऐसे सांसद चुन कर दो जो 320 लाख करोड़ रुपए को भारत में वापस लाएं और इस पैसे को राष्ट्र की संपत्ति बनाएं। हमें ऐसी उम्मीद है कि स्वामी जी तो एक दो सांसदों को मांग रहे हैं, शायद देश 543 सांसदों को भी जिताकर दे सकता है इस एक बार, और उसका भरोसा हमें क्यों है, क्योंकि 1974 में परम सम्माननीय जयप्रकाश नारायण ने ऐसी ही अपील की थी लोगों से कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मुझे सांसद में कुछ संसद सदस्य चाहिए संसद, और माननीय जेपी की अपील पर 1977 के चुनाव में लोगों ने 377 सांसद चुनकर दिए थे, जबकि जेपी के पास कोई पार्टी नहीं थी। आपको मालूम है जनता पार्टी बाद में बनी थी, 377 सांसद जीतकर पहले पहुंचे थे। ये भारत की आजादी के इतिहास की अद्भुत घटना है। जयप्रकाश जी के पास कोई सिंबल नहीं था, जैसे होता है ना कि पार्टी के पास पूरे देश में एक चुनाव चिन्ह होता है, जेपी के पास एक चुनाव चिन्ह नहीं था पूरे देश में, क्योंकि कोई पार्टी ही नहीं थी। उनके साथ तो लोग इकट्ठे हुए थे और उनको उन्होंने चुनाव में खड़ा कर दिया था। कई ऐसे महानुभाव जीते हुए सांसद थे जो एक दिन चुनाव प्रचार करने अपने क्षेत्र में नहीं गए थे और बंपर मेजोरिटी से जीते। आपको याद है राजनारायण जो स्वास्थ्य मंत्री बने थे, वो एक दिन भी चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे अपने क्षेत्र में, एक दिन नहीं गए और लोगों ने उन्हें जिताया। अद्भुत हुआ। तो अगर जेपी को भारत के लोग 377 सांसद चुनकर दे सकते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को भी 377 क्या 400 सांसद दे सकते हैं देश के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम इसी उम्मीद में इस काम में लगे हैं और 2014 हमारा मिशन है और उस मिशन में हमें ये काम कराना, सांसदों को जिताकर लाना है और 320 लाख करोड़ का जो काला धन अलग अलग जगह पड़ा हुआ है इसको राष्ट्र की संपत्ति बनाकर वापस लाना है। आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या स्विस बैंक में जमा हुआ पैसा वापस आ सकता है, क्या विदेशी बैंकों में रखा हुआ धन वापस आ सकता है? हाँ आ सकता है। क्यों आ सकता है? हमारे देश में और दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है संयुक्त राष्ट्र महासंघ, उनकी एक ट्रीटी है, उनकी एक संधि है, जिस संधि में भारत भी सिग्नेटरी है, भारत ने भी साइन किया, और वो ट्रीटी अगेंस्ट करप्शन है, घोटालों के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ट्रीटी है अंतरराष्ट्रीय स्तर की। वो ट्रीटी क्या कहती है कि जब तक धन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है वो दुनिया की किसी भी बैंक में जमा हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो धन राष्ट्र की संपत्ति होगा तो वो उसी राष्ट्र की बैंक में जमा होगा, वो जिस राष्ट्र का होगा। तो अभी तक नेताओं ने व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में सारा धन रखा हुआ है स्विस बैंकों में और दूसरी बैंकों में, इसको भारत की संसद से अगर हमने
इसलिए वो धन भारत में आएगा। और हमने योजना बनाई है कि ये 320 लाख करोड़ अगर भारत में आया तो इसका हम क्या करेंगे। इसका हम एक काम करने वाले हैं कि गांव गांव का विकास करने के लिए इस धन का उपयोग करेंगे। आप बोलेंगे ये धन पर्याप्त है क्या? ये पर्याप्त से 5 गुना ज्यादा है। हमने एक पूरी योजना बनाई है भारत के गांव के विकास की। उस योजना में कुल 50 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है और ये 320 लाख करोड़ रुपए उससे लगभग 6 गुना ज्यादा है। योजना क्या है? भारत में 6,38,365 गांव हैं। इनमें से 4 लाख गांव में कपास पैदा होती है। हमारी योजना है कि जिन जिन गांव में कपास पैदा होती है वहां हम चरखे चलवाएंगे, सूत बनाएंगे, सूत से खादी बनेगी, वो खादी भारत में बिकेगी और दुनिया में बिकेगी। 4 लाख गांव में खादी बनाने का काम होगा और इसमें 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसी हमारी एक योजना है कि भारत के 2.5 लाख गांव में गेहूं पैदा होता है। जहां गेहूं होता है वहां गेहूं का आटा बनवाना चाहते हैं। हम किसानों से ये अपील करने वाले हैं कि आप गेहूं बेचना बंद करो, क्योंकि गेहूं तो 11 रुपए किलो बिकता है, आप गेहूं का आटा बेचो जो 26 रुपए किलो बिकता है। गेहूं बेचने में किसानों को कोई लाभ नहीं है, गेहूं का आटा बेचने में उनको लाभ है। और सब लोग आटा ही खाते हैं, गेहूं कोई नहीं खाता। तो हमारी योजना है कि गांव गांव में किसानों के घर में वो चक्की चले हाथ वाली, उसका आटा बने, वो आटा पैकेट में बंद होकर पूरे देश में बिके। और भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता इसमें किसानों की मदद करेंगे। और इस काम में हम भारत के 2.5 से 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकेंगे। इसी तरह से भारत में करीब 1 लाख गांव में आलू पैदा होते हैं। जहां आलू होते हैं वहां आलू का चिप्स बन सकता है और आलू का चिप्स बनाने का काम घर घर हो सकता है। भारत के 1 से 1.25 लाख गांव में टमाटर होते हैं, टमाटर का सॉस और चटनी बनाने का काम सब गांव में हो सकता है। 2.5-3 लाख गांव में आम पैदा होता है, आम का अचार, आम का मुरब्बा, आम का पापड़, आम की बड़ी, ये सब आम के सामान गांव गांव बन सकते हैं। ऐसे 100-100 उद्योग हर गांव में हम चलाना चाहते हैं और इन सभी उद्योगों में 65 करोड़ लोगों को जिंदगी भर के लिए काम मिलेगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट इस पूरे काम में 10 लाख करोड़ का होगा और हमारे पास 320 लाख करोड़ तो है, 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे इस काम। फिर उसके बाद एक दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं कि भारत के हर गांव को 24 घंटे बिजली मिले। इसके लिए 4 लाख करोड़ चाहिए। आप बोलेंगे वो कैसे? 1 लाख मेगावाट बिजली हमारे देश में इस समय बन रही है और 1 लाख मेगावाट बिजली बन जाए तो हर गांव को 24 घंटे बिजली मिल जाए। 1 मेगावाट बिजली बनाने के लिए 4 करोड़ खर्च होता है, तो 1 लाख मेगावाट बिजली 4 लाख करोड़ में बनेगी, तो 4 लाख करोड़ का खर्चा करेंगे हर गांव को बिजली मिल जाएगी। इसी तरह 7 लाख करोड़ खर्च करेंगे हर गांव को सड़क मिल जाएगी। 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो हर गांव के किसान के खेत को पानी उपलब्ध हो जाएगा तालाबों की मदद से। 12-13 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो हर गांव को स्कूल और कॉलेज मिल जाएगा शिक्षा के लिए। कुल 50 लाख करोड़ का खर्चा है। भारत का हर गांव स्वावलंबी, सुखी और समृद्धशाली और संपत्तिवान हो जाएगा। एक भी गांव में बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, मात्र 50 लाख करोड़ के खर्चे। अब 50 लाख करोड़ भी खर्च करें तो हमारे पास 270 लाख करोड़ तो बचेगा। अब 270 लाख करोड़ का क्या करें? उस बचे हुए 270 लाख करोड़ को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखें भारत माता के नाम से, तो साल का ब्याज 27 लाख करोड़ का आएगा। और हर साल अगर 27 लाख करोड़ की आमदनी देश को हो रही है तो किसी भी भारतीय नागरिक से टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पूरी अर्थव्यवस्था को जीरो टैक्स कर सकते। टैक्स के माध्यम से सरकार 7.5 लाख करोड़ इकट्ठा करती है हर साल। हमारे पास 27 लाख करोड़ तो ऐसे ही आ रहा है, टैक्स लेने की जरूरत क्या? तो हम सबसे पहले टैक्स खत्म करेंगे इनकम का, क्योंकि ये टैक्स लगाया है अंग्रेजों ने। इनकम पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होती किसी भी देश में। टैक्स होने चाहिए एक्सपेंडिचर्स,
इनकम पे नहीं, हम इनकम का टैक्स हटाना चाहते हैं। ये टैक्स हटने से दो बड़े फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा ये कि सारा ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, आप इनकम टैक्स हटाओ ब्लैक मनी खत्म, और देश के अंदर 60 लाख करोड़ का जो ब्लैक मनी है, इनकम टैक्स हटाते ही ये सारा धन बाहर आ जाएगा, और ये धन बाहर आएगा तो कहां जाएगा, या तो ये 60 लाख करोड़ रुपए बैंक में आएगा डिपॉजिट के रूप में, या तो ये 60 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट होगा उद्योग और व्यापार में, या तो ये 60 लाख करोड़ रुपए लोग खर्च करेंगे। तीनों ही स्थिति में पैसा मार्केट में घूमेगा, और बाजार में अगर 60 लाख करोड़ रुपए घूम रहा है तो कटोरा लेके विदेशों में भीख मांगने की जरूरत नहीं है, देश के विकास के लिए हमारे पास पैसा है। अभी देश में क्या होता है, लोग इनकम टैक्स देना नहीं है इसके लिए इनकम को छुपाते हैं, आप इनकम का टैक्स हटा दो इनकम छुपाना लोग बंद कर देंगे, और जैसे ही इनकम छुपाना बंद हुआ तो लोग तो अपने आप ही ईमानदार हो जाएंगे, बेईमान रहने की जरूरत ही नहीं है। और मेरी पूरी इस बात पर विश्वास है और गारंटी है कि जैसे ही इनकम का टैक्स आप खत्म करेंगे, आमदनी इस देश की अपने आप 2-3 गुनी बढ़ जाएगी। इसी तरह हम उत्पादन का टैक्स खत्म करना चाहते हैं, सेंट्रल एक्साइज। अभी क्या होता है, सेंट्रल एक्साइज का टैक्स चोरी करने के लिए लोग उत्पादन को छुपाते हैं, आप टैक्स हटा दो उत्पादन छुपाएगा नहीं कोई, तो उत्पादन बढ़ जाएगा देश। इसी तरह बिक्री के कर को छुपाने के लिए लोग व्यवसाय को छुपाते हैं, आप बिक्री का कर हटा दो व्यवसाय को कोई छुपाएगा नहीं। लोगों को ईमानदार बनने के रास्ते खोलने हैं जो कानूनों ने बंद करके रखे हो। और मैंने एक बार भारत के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों की एक सभा में ये बात कही। हमारे देश में एक संस्था, उसका नाम है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनके यहाँ उन्होंने मुझे बुलाया था व्याख्यान देने। तो वहाँ बड़े बड़े व्यापारी घराने, टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका आदि आदि के मैनेजर्स थे। मैंने उनके सामने कहा कि हम तो इनकम टैक्स खत्म करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कब करोगे, मैंने कहा 4 साल बाद। तो उन्होंने कहा अभी क्यों नहीं कर देते, मैंने कहा भाई आपको क्या है अगर इनकम का टैक्स खत्म हो जाए। तो टाटा ग्रुप के एक मैनेजर ने जो मुझे कहा वो मैं आपको कहता हूँ। उसने कहा कि राजीव भाई, ये इनकम के टैक्स के कानून के चलते हमारी जिंदगी का 70% समय बर्बाद हो जाता है, 70% समय हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खा जाता है। अगर आप इस कानून को खत्म कर दोगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि जितना हम इनकम टैक्स में नहीं देते उससे कई गुना ज्यादा दे देंगे देश में। मैंने पूछा कैसे दे दोगे, तो उन्होंने कहा आप तो ऐसा कर देना कि ये इनकम टैक्स तो हटा देना, फिर आप हमको ये बता देना कि किस किस गांव को विकास कराना है, हम 1-1 हजार गांव गोद ले लेंगे, जितना हम इनकम टैक्स में देते थे वो सब हम गांव में लगा देंगे, विकास तो हम करा देंगे। तो मैंने कहा आप कितने गांव गोद ले सकते हो, उन्होंने कहा 10,000 गांव हम ले लेंगे। टाटा ग्रुप ने कहा 10,000 ले लेंगे, बिरला ग्रुप ने कहा 10,000 हम ले लेंगे, डालमिया ग्रुप ने कहा 10,000। तो उन्होंने कहा 6,38,300 गांव का विकास तो हम ही कर देंगे, बस आप ये कानून हटा दो ताकि हमारा समय बचे, और बचे हुए समय में हम उतनी ही पूंजी और पैदा करेंगे, उतना ही व्यापार और करेंगे, उतना ही उत्पादन और करेंगे, तो उत्पादन भी बढ़ेगा व्यापार भी बढ़ेगा। और मैंने कहा सेंट्रल एक्साइज हटा दें तो, तब तो उन्होंने कहा सोने में सुहागा, हमें उत्पादन छुपाना ही नहीं पड़ेगा, बेईमानी करनी नहीं पड़ेगी, और उत्पादन जितना बढ़े समृद्धि उतनी बढ़ेगी देश की, और समृद्धि जितनी बढ़ेगी पूंजी का बंटवारा उतना ही होगा। मैंने कहा सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म करें और 64 तरह के सभी टैक्स खत्म करें। तो उन्होंने कहा फिर तो हम इस देश में, आप दूध मांगोगे तो हम आपको रबड़ी देंगे, और आप रबड़ी मांगोगे तो उससे भी अच्छी कोई चीज दे देंगे, आप कर दो एक बार इस काम का। मैंने सारे व्यापारी उद्योगपति परेशान है टैक्स सिस्टम के कारण, वो कहते हैं कि हमें बेईमान इस टैक्स सिस्टम ने बनाया है, हम बेईमान नहीं है। एक अद्भुत व्यापारी है मुंबई में, उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो एक्सपोर्टर है डायमंड के,
वो हर दिन सुबह और शाम का खाना तब खाते हैं जब एक एक लाख रुपए दान कर देते हैं अपने हाथ से। हर दिन का नियम है उनका, सुबह एक लाख रुपए दान करते हैं, शाम को एक लाख रुपए दान करते हैं। और वो अद्भुत जीव है, इनकम टैक्स की सबसे ज्यादा चोरी करते हैं। इनकम टैक्स नहीं देते। एक दिन मैंने कहा आप इनकम टैक्स की चोरी कैसे कराते हो, उन्होंने कहा 17 चार्टेड अकाउंटेंट मैंने इसी काम के लिए रखे हुए, एक एक को 50,000 की तनख्वाह देता हूं और उनको एक ही टारगेट है कि मेरा एक पैसा इनकम टैक्स में जाना नहीं चाहिए। तो वो सब अपना दिमाग लगाते हैं, तिकड़म लगाते हैं, मैं इनकम टैक्स तो चोरी करता हूं लेकिन 2,00,000 रुपए रोज दान देता हूं। तो मैंने कहा आप ये 2,00,000 रुपए इनकम टैक्स में ही क्यों नहीं देते। तब उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने कहा भारतीय संस्कृति में कुपात्रों को दान नहीं दिया जाता। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट महाकुपात्र है, इसको मैं 1 रुपया नहीं दे सकता। मैं पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कुपात्रों को दान दो तो नरक में जाना पड़ता है, मैं नरक में नहीं जाना चाहता। मतलब सीधा सा ये है कि भारत के लोग टैक्स नहीं देते, दान देते। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, टैक्स नहीं देते हैं, दान देते हैं। तो दान ही मांगो ना, टैक्स क्यों मांग रहे हो, हटा दो टैक्स, दान मांगना शुरू कर दो। मैंने एक दिन कैलकुलेशन किया कि सारे टैक्स हम हटा दें और हर भारतवासी को ये कहें कि देश के लिए एक चाय का प्याला रोज दान कर दो। एक चाय का प्याला माने 5 रुपए, तो 5 रुपए का एक चाय का प्याला रोज दान कर दो देश के लिए, हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे आपके ऊपर। तो मैंने हिसाब जोड़ा कि कुल दान जो साल में इकट्ठा होता है वो टैक्स का 3 गुना ज्यादा है। तो लोगों से दान लो, टैक्स मत लो। और भारत के लोग दानवीर हैं, टैक्स वीर नहीं है। जब कारगिल युद्ध हुआ दान दिया कि नहीं दिया, गुजरात में भूकंप आया तो दान दिया कि नहीं दिया। एक दिन में 480 करोड़ का दान आया था गुजरात में। मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा था कि भैया रोको, जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लेंगे, नहीं तो हम उपयोग ही नहीं कर पाएंगे उस पैसे। तो लोग जब दान देने को तैयार हैं, मैं आपको ऐसे कई उद्योगपतियों के नाम बता सकता हूं जिनके बिजनेस पार्टनर तिरुपति बालाजी हैं। हाँ, उनको साल में जितनी इनकम होती है उसका आधा हिस्सा चुपचाप जाके तिरुपति बालाजी में दान कर देते हैं, बताते भी नहीं, नाम भी घोषित नहीं करते। तो जो तिरुपति बालाजी को दान दे रहे हैं वो भारत माता को भी दे सकते हैं। लेने वाले में पात्रता होनी चाहिए, देने वाला तो तैयार बैठा है। हम एक ऐसा टैक्स सिस्टम इस देश में लाना चाहते हैं जिसमें किसी को टैक्स देने की जरूरत ना पड़े, देश दान पर ही चल जाए। और हमने तो हिसाब जोड़ लिया कि 320 लाख करोड़ लाकर 50 लाख करोड़ विकास के लिए खर्च करके 270 लाख करोड़ को फिक्स डिपॉजिट में रखें तो 27 लाख करोड़ की तो साल की ऐसे ही आमदनी है, हमें तो शायद दान मांगने की भी जरूरत नहीं। और एक दिन मैंने सोचा कि 27 लाख करोड़ हर साल जो मिलेगा इसका और शहरों में विकास के काम में उपयोग करें, तो 5 साल के बाद तो पता ही नहीं है हमें कि हम करेंगे क्या, 5 साल में सब काम हो जाए, 6वें साल में क्या करें 27 लाख करोड़ का, ये समझ में नहीं आ रहा। तो हमने उसकी एक और योजना बनाई कि 6वें साल से 27 लाख करोड़ लोगों को बांटेंगे और कहेंगे इसमें आग लगा के तापो, अपनी ठंड मिटा लो। क्यों, खर्चा तो करना ही पड़ेगा, अगर आपने खर्च नहीं किया तो लोगों की आमदनी रुक जाएगी। आपको मालूम है सरकार का खर्चा लोगों की आमदनी होती है। अर्थव्यवस्था में एक सामान्य सिद्धांत है कि किसी का खर्चा किसी की आमदनी होती है। मैंने कुछ खर्च किया आपकी आमदनी हो गई, आपने कुछ खर्च किया वो मेरी आमदनी हुई। तो खर्चा और आमदनी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो आमदनी रुकेगी, तो 27 लाख करोड़ खर्च तो करना ही है, तो क्या करें, जलाएंगे उस पैसे को, आग लगा के तापेंगे, ठंड मिटाएंगे अपनी, और क्या करेंगे। इस बात को
मैं दूसरे तरीके से कहना चाहता हूँ वो ये कि 27 लाख करोड़ जो हर साल आमदनी आएगी उस आमदनी को गरीब देशों में बांटेंगे, दान करेंगे ताकि उनकी गरीबी मिट जाए। और ऐसे 70 देशों की हमने सूची बनाई है जिनको हम ये दान देकर उनकी गरीबी मिटाएंगे। अब इन 70 देशों की गरीबी अगर हमने मिटा दी तो ये देश जिंदगी भर के लिए हमारे दोस्त हो जाएंगे। और ये 70 देशों की दोस्ती अगर हम कर पाए तो इन दोस्ती की ताकत पर हम दो देशों को सबक सिखाना चाहते हैं, एक पाकिस्तान और एक चीन। चीन को सबक सिखाना है वो ये कि हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन उसने दबा के रखी हुई है, ये वापस ले। कैलाश मानसरोवर हमारा है, ये चीन से हमें वापस लेना। और पाकिस्तान को ऐसा रगड़ना है कि उनके यहां से कभी कोई आतंकवादी इस देश में ना आने पाए। अभी चीन और पाकिस्तान को संतुलित रखना है अपने फेवर में तो 70 देशों की दोस्ती हमारे काम आएगी। इसलिए हमें ये काम करना है, उनकी मदद करेंगे ताकि वो हमारे साथ समय आने पर खड़े रहे। और एक आखिरी काम करना है कि इन 70 देशों की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ एक मुकदमा करना है अंतर्राष्ट्रीय अदालत, कि अंग्रेजों ने जो लूटा हुआ धन है वो हमें ब्याज सहित वापस चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय अदालत तैयार है इसके, अंतर्राष्ट्रीय अदालत है ना, वहां के कई जजेस के साथ मैं बात कर रहा हूं उसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, और वो कहते हैं कि आपका केस तो बहुत जेन्युइन है, अंग्रेजों ने जो लूटा है उसके दस्तावेज आप हमारी अदालत में प्रस्तुत कर दो, फैसला तो आपके पक्ष में आने ही वाला। तो मैंने कहा हमारे पास अभी 50,000 दस्तावेज है। उन्होंने कहा इतने तो बहुत होते हैं। तो मैंने कहा हाँ जरूर हम करेंगे, 4 साल के बाद करेंगे। और ये केस हम जीत कर अंग्रेजों से 300 लाख करोड़ से ज्यादा वापस लेंगे। और अंग्रेजों से जो पैसा हम लेंगे वो पौंड में नहीं लेंगे, डॉलर में नहीं लेंगे, वो सोने में लेंगे, क्योंकि डॉलर और पौंड का कोई भरोसा नहीं है कब डूब जाए। आपको मालूम है पौंड डूब रहा है, 1 साल पहले तक 80 रुपए पौंड था, अभी 60 रुपए पौंड हो गया, थोड़े दिन में 40 होने वाला है। बहुत बुरा हाल है ब्रिटेन का, दिवालिया हो गया पूरा ब्रिटेन। और डॉलर का भी बुरा हाल है, डॉलर और टूटने वाला है आने वाले समय में। दुनिया में तेल पैदा करने वाले देशों ने आपस में एक सहमति बनाई है, एक रहस्य की बात कहने आया हूं आपसे वो ये कि तेल पैदा करने वाले देशों ने एक सहमति बनाई है कि तेल का भाव डॉलर में तय नहीं करेंगे, उसके लिए वो कॉमन करेंसी निकालने जा रहे। और इन देशों में सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, बहरीन है, ओमान है, कुवैत है, संयुक्त अरब अमीरात है, ऐसे 56 देश हैं। ये मिलकर एक कॉमन करेंसी ला रहे हैं, ये डॉलर में भाव तय करना बंद करने वाले हैं तेल का। जिस दिन तेल का भाव डॉलर में तय होना बंद हुआ उसी दिन डॉलर धड़ाम से गिरेगा और शायद 1 रुपया 1 डॉलर हो जाएगा। और रुपया डॉलर बराबर हुआ तो हम डॉलर लाके करेंगे क्या भाई? तो इसलिए हम अंग्रेजों से पैसे लाएंगे तो सोने में लाएंगे, सोना लाके रखेंगे अपने रिजर्व में। और 400 लाख करोड़ का अगर सोना हम ले आए तो हमारे पास इस बात का अधिकार है कि हम इतनी करेंसी छाप कर कभी भी मार्केट में डाल सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता। 400 लाख करोड़ की करेंसी जब चाहेंगे छाप लेंगे हम। और ये सोना अगर आ गया तो पौंड भी टूटेगा, डॉलर भी टूटेगा, रुपया डॉलर बराबर होगा। और रुपया डॉलर बराबर हुआ तो बहुत बड़ी क्रांति आएगी इस देश में। वो प्रांत पता है क्रांति क्या होगी? जो हम निर्यात कर रहे हैं आज वो निर्यात की आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी एक झटके में। अभी हमारा एक्सपोर्ट है 5 लाख करोड़ का, वो हो जाएगा 250 लाख करोड़। और जो हम आयात कर रहे हैं उस आयात का खर्चा 50 गुना कम हो जाएगा एक ही झटके में। तो पता है पेट्रोल का भाव हो जाएगा 12 रुपए लीटर, अभी पेट्रोल है 50 रुपए लीटर, डीजल हो जाएगा 7 रुपए 50 पैसे लीटर, रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 40 रुपए का।
और डीजल पेट्रोल और केरोसिन अगर सस्ता हुआ तो हर चीज सस्ती होगी। और एक तरफ आप क्योंकि अमेरिका गए ही इसलिए है कि एक डॉलर में 50 रुपया है, होगा ही नहीं जब एक डॉलर में 50 रुपए तो वापस आएंगे। और ये 4 करोड़ भारतवासी आएंगे तो इनका जो ब्रेन है वो देश के काम में लगेगा। अब बेस्ट क्वालिटी ब्रेन भी है और सबसे ज्यादा पूंजी हमारे पास है, संसाधन सारे हमारे पास हैं, तब भारत को दुनिया में सोने का शेर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। पहले ये देश सोने की चिड़िया था, अब इसको सोने का शेर बनाना। चिड़िया था तो लूट लिया दूसरों ने, शेर को लूट के कोई दिखाए। मैंने प्रतीक में बहुत गहरी बात कही है आपसे, हमें अब इस देश को सोने की चिड़िया नहीं बनाना, सोने का शेर बनाना, ताकि दूसरा कोई लूटने को ना आए इस देश। और ये सब भारत स्वाभिमान की मदद से होगा। अब इसमें आपसे हमें एक मदद चाहिए, वो ये कि इस भारत स्वाभिमान में आप जुड़ जाएं तो ये काम जल्दी हो जाएगा। हमें 5 करोड़ मेंबर बनाने हैं सारे देश में। 5 करोड़ मेंबर का मतलब है 2014 के संसद के चुनाव में 377 सांसद हमारे होंगे, अगर 5 करोड़ मेंबर हैं तो सारे देश में इस समय हम अभियान पे निकले हुए। परम पूजनीय स्वामी जी भी लगे हैं, मैं भी लगा हूँ, हमारे 2,40,000 योग शिक्षक गांव गांव मेंबर बना रहे हैं। तो आप भी इसमें हमारे साथ मेंबर बन के जुड़ जाइए। मेंबर बनने के लिए मात्र 11 रुपए का दान देना पड़ता है, वो आप दे सकते हैं। थोड़ा ज्यादा देना हो तो 51 रुपए के भी मेंबर हो सकते हैं, 1100 के भी मेंबर हो सकते हैं, लेकिन सबसे कम मेंबरशिप का जो दान राशि है वो 11 रुपए। और आप मेंबर हो जाएं, 10 को और बनाएं, 20 को बनाएं, 50 को बनाएं, 100 को बनाएं, तो जल्दी से 5 करोड़ का लक्ष्य 4 साल में पूरा हो, तो ये काम करने के लिए रास्ता खुले। आपसे यही अपेक्षा है और मुझे उम्मीद है कि आप ये अपेक्षा पूरी कर देंगे, क्योंकि आपको भी लगता है कि ये देश अच्छा होना चाहिए, आपको भी लगता है कि ये देश गरीबी से बाहर निकलना चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए, बदहाली से मुक्त होना चाहिए। तो हमें लगता है, आपको लगता है, हम सब मिलकर इस देश के लिए ये करें। आप कहोगे जी ये तो सब आज सपने की बातें हैं। हाँ, ये आज तो सपना है, 4 साल बाद हकीकत बनेगा। और आपको एक बात विनम्रता से कहकर जाना चाहता हूँ, हर हकीकत एक दिन पहले तक सपना ही होती है, और एक दिन के सपने को बाद में हकीकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहले सपना ही देखा जाता है, बाद में हकीकत आती है। 1857 में नाना साहब पेशवा ने सपना देखा, देश आजाद होगा। अगर वो सपना ही नहीं देखते तो देश आजाद कैसे होता। आज हम सपना देख रहे हैं कि देश समृद्धशाली होगा, सोने का शेर बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, गरीबी मुक्त होगा, बेरोजगारी मुक्त होगा। इस सपने को थोड़े दिन में क्रिया होते हुए हम देखेंगे, और ये क्रिया 2014 से शुरू होगी। आप इसमें थोड़ी थोड़ी मदद कर दें, मेंबर हो जाएं, दूसरों को मेंबर बनने के लिए प्रेरित कर दें। हमने एक मेंबरशिप का फॉर्म बनाया है, वो यहाँ के हमारे पदाधिकारियों से मिल जाएगा। आप उसकी फोटोकॉपी करा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे सकते हैं। गांव के किसान भी मेंबर हो सकते हैं, मजदूर भी मेंबर हो सकते हैं, कोई भी इसमें जुड़ सकता है, रास्ते सबके लिए खुले हैं। और एक आखिरी बात मुझे आपसे ये कहनी है कि आप अगर इसमें जुड़ेंगे और ये काम होगा तो भविष्य में आप अपने बच्चों को गर्व से कह सकेंगे कि हमने ये काम किया। और नहीं जुड़ेंगे तो भविष्य में आपके बच्चे आपको शर्मिंदा करेंगे कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने 1942 की लड़ाई में गांधी जी के साथ लड़ाई, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। वो परिवार वाले गर्व से कहते हैं कि हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे माता पिता जेल गए थे गांधी जी के साथ। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि 1942 की लड़ाई में सभी भारतवासियों ने गांधी जी का साथ नहीं दिया था। जिन्होंने गांधी जी का साथ नहीं दिया, आजादी उनके लिए भी आई। तो जो भारत स्वाभिमान का साथ नहीं देंगे, भविष्य का भारत उनके लिए भी सुरक्षित है। इसलिए आप साथ दें तो गौरव के भागी बनेंगे, साथ नहीं देंगे तो शर्मिंदा होना पड़ेगा।
और आप ये जान लो कि ये काम तो होना है, आप सहयोग करोगे तो जल्दी होगा, नहीं करोगे तो भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस काम को करने का संकल्प एक सन्यासी ने लिया हुआ है, और भारत में सन्यासियों ने जब भी संकल्प किया है भगवान ने भी वो संकल्प पूरा करवाया है। हमारे भारत में एक सन्यासी हुए समर्थ गुरु रामदास, औरंगजेब के समय की कहानी है। औरंगजेब बहुत अत्याचारी था, मैंने आपसे कहा, मंदिर तोड़ता था, हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, टैक्स लगाता था हिंदुओं पे। तो समर्थ गुरु रामदास ने एक दिन भगवान से प्रार्थना की कि इस अत्याचारी औरंगजेब को तो समाप्त करना ही पड़ेगा। और दिल से जब प्रार्थना की जाती है ना तो भगवान भी सुनता है। समर्थ गुरु रामदास की ये प्रार्थना ईश्वर ने सुनी और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में पैदा कर दिया। और छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु बने समर्थ गुरु रामदास, और ऐसे अद्भुत गुरु बने कि 17 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी ने पूरे दक्षिण भारत से औरंगजेब का सफाया कर दिया 17 साल के। और औरंगजेब को दक्षिण से भागकर उत्तर आना पड़ा और उत्तर में आके मर गया, और 1707 में उसका साम्राज्य खत्म हो गया पूरे देश से। एक ऐसे ही सन्यासी हुए स्वामी रामतीर्थ हैदराबाद में। हैदराबाद का निजाम था ना, वो कहा करता था कि ये राज्य को पाकिस्तान में मिलाना है। स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि तुम्हें पाकिस्तान जाना है, तुम जाओ, राज्य तो भारत में रहेगा। और स्वामी रामतीर्थ के संकल्प को पूरा कराने के लिए भगवान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस देश में पैदा किया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वामी रामतीर्थ के सपने को पूरा करते हुए हैदराबाद रियासत को भारत में मिला दिया। अब ऐसे ही एक सन्यासी परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने सपना देख लिया कि 320 लाख करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में पड़े हैं, उनको भारत में लाना, और इस सपने को पूरा कराने के लिए भगवान ने मेरे जैसे 2,40,000 योग शिक्षक को भेज दिए, 11 लाख और आने वाले हैं, एक एक गांव में 2-2 योग शिक्षक हो जाएंगे, काम तो होने वाला है। तो काम तो होगा, आप आओगे तो यश के भागी आप बनोगे, निमित्त आप बनोगे, होने वाला तो है, क्योंकि ये ईश्वर की योजना है। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि ये ईश्वरीय योजना है, क्योंकि एक सन्यासी के दिमाग में ये अर्थशास्त्र का विषय भगवान ने क्यों घुसाया, सोचो जरा इस बात को गंभीरता। काले धन का विषय, ब्लैक मनी का इशू, पैरेलल इकोनॉमी का इशू एक सन्यासी के दिमाग में डाल दिया भगवान, कर भाई इसको, कर कर कर। सन्यासी का काम तो योग प्राणायाम का है, लेकिन भगवान कह रहा है ये ब्लैक मनी का भी काम कर, ये भी कर, ये भी कर। अब बड़े बड़े अर्थशास्त्री परेशान है कि ये सन्यासी सवाल उठा रहा है, हमको उठाना चाहिए था ये सवाल तो, लेकिन वो सो रहे थे 63 साल से। तो ये होना है, क्योंकि योजना ईश्वर की है। और कुछ देश का भी समय अच्छा आ रहा है, जब अच्छा समय आता है तो अच्छे अच्छे लोग आते हैं देश में, तो ये होना है, आप इसमें जुड़ जाओ, आप इसमें लग जाओ, तो आपको यश, आपको निमित्त बनाने का रास्ता खुलेगा, वरना काम तो देश के लिए होने ही वाला है। तो हम सब इसमें जुड़ जाएं, और जुड़ने का एक बड़ा कारण मुझे और लगता है कि शायद हम सब इस काम में इसलिए भी जुड़ेंगे कि हम सब 1857 के बिछुड़े हुए लोग हैं। अब फिर इकट्ठे हो रहे, क्योंकि हम तो मानते हैं ना आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। तो 1857 में हमारे शरीर मरे, आत्मा तो जिंदा थी, अब वो भटकते भटकते फिर इकट्ठी हो रही है। हो सकता है हम 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक तो होंगे ही, नाना साहब पेशवा के सैनिक तो रहे ही होंगे। मान लो नाना साहब पेशवा नहीं थे तो नाना साहब पेशवा के सहयोगी तो हो सकते हैं, तात्या टोपे के सहयोगी हो सकते हैं, झांसी की रानी के सहयोगी हो सकते हैं, और हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। निमित्त एक सन्यासी बना हुआ है, इकट्ठे हम सब हो रहे हैं। आप याद रखना 1857 में ही एक सन्यासी ने सबको इकट्ठा किया, परम पूजनीय महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने इकट्ठा किया था सबको, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी, इन सबको आपस में मिलाने वाले परम पूजनीय स्वामी दयानंद जी थे, जो आर्य समाज के संस्थापक थे।
तो 1857 में भी किसी सन्यासी ने हमें इकट्ठा किया, अब 2010 में भी कोई सन्यासी इकट्ठा कर रहा है। माने घटना वही दोहराई जा रही है, क्योंकि हम सब पिछड़े हुए लोग हैं, अधूरा काम पूरा करने के लिए हमने ये शरीर धारण किया है, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए काम तो होने वाला है, संकल्प हमारा महान है, पवित्रता हमारे मन में है, ईमानदारी हमारे रास्ते में है, तो ये होने ही वाला है। आप सब इसमें लग जाएं, ऐसी विनम्र अपेक्षा लेके मैं आया, दूसरे लोगों को इस काम में लगने के लिए प्रेरित करें तो और भी अच्छा रहेगा। यही बोलकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि आप सब इस अभियान को गंभीरता से अपने जीवन का अंग बनाएं और दूसरों के जीवन का अंग बनाने के लिए इसके लिए लगातार प्रेरणा दें। मैं बोलूंगा भारत माता की, हम सब बोलेंगे जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद श्री राजीव जी। मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगी थोड़ी देर और बैठे, हमारा कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है। इतनी देर आपने धैर्य बनाए रखा, 5 मिनट और आप धैर्य बनाए रखें। अभी श्री राजीव जी ने बड़ी ही ओजस्वी शैली में भारत स्वाभिमान के अंतर्गत व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो विचारों की अमूल्य धरोहर दी है, उसके लिए वास्तव में बधाई के पात्र हैं। कृपया अपने जगह पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपके ही बीच से एक सवाल आया है, उस सवाल का जवाब हमारे माननीय जी देंगे, उस जवाब को आप सुनकर के जाएं। धन्यवाद। एक प्रश्न है, वो ये, लोग कहते हैं कि बाबा जी दवाई और बिस्कुट बेचकर कमाई कर रहे हैं, इसका जवाब दें। मैं आपको विनम्रता पूर्वक 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। वो ये कि हम जो बिस्कुट दवाई बेच रहे हैं, इस पूरी की पूरी आमदनी को ट्रस्ट में डाल रहे हैं। एक पैसा भी बिस्कुट और दवाई बेचकर किसी के व्यक्तिगत खाते में नहीं जा रहा है। मैं ट्रस्ट का व्यक्ति हूँ, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में परम पूजनीय स्वामी जी अध्यक्ष हैं, आचार्य बालकृष्ण जी महामंत्री हैं, मैं उसका राष्ट्रीय सचिव हूँ, और 3 हैं उसमें, एक तो जी टीवी के मालिक हैं गोयल साहब, एक तो TMT सरिया जो आप जानते हैं सुरेश जी, और एक तो LDCO के चेयरमैन हैं SK कर। कुल मिलाकर हम 6 ट्रस्टी हैं भारत स्वाभिमान, और एक एक गतिविधि हमें मालूम है। जितनी भी दवाई की बिक्री होती है, जितनी भी बिस्किट की बिक्री होती है, सारे पैसे का एक एक मुनाफा पूरे ट्रस्ट के खजाने में जाता है, और ट्रस्ट के खजाने से ये पैसा देश के लिए खर्च होता है। हमारे ट्रस्ट का एक नियम है, वो ये है कि जो पैसा ट्रस्ट में आ गया वो किसी के व्यक्तिगत खर्चे में नहीं जाएगा। ये जो दवाई और बिस्किट की बिक्री का पैसा है ना, इसका 1 रुपया भी परम पूजनीय स्वामी जी अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, ये कानून है हमारे यहाँ, नियम है। मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, तो कहाँ खर्च होगा? वो भारत स्वाभिमान के और समाज के काम में ही खर्च होगा। तो दवाई हम बेच रहे हैं या बिस्किट बेच रहे हैं, पूरी आमदनी ट्रस्ट में आ रही है, और ये भारत में पहला और अनोखा ट्रस्ट है जिसकी आमदनी पूरी ट्रस्ट में आ रही है और खर्चा किसी भी ट्रस्टी पर नहीं हो रहा है, खर्चा पूरा देश और समाज के लिए हो रहा है। भारत में बहुत सारे बड़े बड़े घराने हैं जिनकी आमदनी उनके व्यक्तिगत खर्चों में जा रही है, वो टाटा बिरला डालमिया धीरूभाई अंबानी, किसी को भी आप देख सकते हैं। ये पहला और अद्भुत ट्रस्ट है जो कमाई भी कर रहा है तो सारी आमदनी ट्रस्ट में जा रही है, और हम महात्मा गांधी के सिद्धांत को पालन कर रहे हैं। गांधी जी कहा करते थे कि जीवन में हम कुछ भी कमाते हैं, उस कमाए हुए धन किसी के व्यक्तिगत उपयोग में नहीं आ रही है। ना स्वामी जी का कोई बैंक अकाउंट है, ना मेरा कोई बैंक अकाउंट है, ना आचार्य बालकृष्ण जी का कोई बैंक अकाउंट है, हम में से किसी का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, और कोई पर्सनल इनकम हमारी नहीं है। जो भी है वो ट्रस्ट की आमदनी है,
वो बिस्किट बेचकर आए, दवा बेचकर आए, या आंवला एलोवेरा बेच के, कुछ भी बिकेगा, आमदनी ट्रस्ट की है, किसी व्यक्ति की आमदनी नहीं है, और खर्चा देश और समाज के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी कृपया थोड़ी देर के लिए और बैठ जाएं। हमारे सामने हमारे माननीय राजीव जी बैठे हुए हैं, जिन्हें सुनने के लिए आप इतनी दूर से आए हैं। 5 मिनट आप और बैठेंगे तो हम उनके सम्मान में 4 चांद लगा सकेंगे। अभी आपने चेतना की जो नई लहर जगाई, वो निश्चित रूप से कटनी नगर के घर घर तक पहुंचेगी, ऐसा आश्वासन मैं आपको कटनी नगर वासियों की ओर से, पतंजलि योग समिति, भारत चौहान ट्रस्ट और पतंजलि महिला समिति की ओर से देना चाहूंगी। हमारे सभी योग शिक्षक पूर्ण कर्मठता के साथ इस लहर को आगे बढ़ाने में भरसक प्रयास करेंगे। आपके विषय में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, फिर भी 2 पंक्तियां मैं आपके सम्मान में पढ़ना चाहूंगी। तुम्हारे पास हिम्मत की बहुत ऊंची मचाने हैं, तुम्हारे पास हैं हिमालय पार तक फैली तुम्हारी दास्ताने हैं। इरादों में तुम्हारे शक्तियों संकल्प का बल है, इरादों में तुम्हारे शक्तियों संकल्प का बल है, सभी उलझे सवालों का तुम्हारे पास में हल है, तुम्हारे पास में हल है। और इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम के अगले चरण में हम कुछ बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए हमारी संस्था ने निश्चय किया है। भारत स्वाभिमान कर्मठता और ईमानदारी का पर्याय है, और यदि हमने इस अवसर पर ऐसे कर्मठ और ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान नहीं किया तो शायद हमारा आज का कार्यक्रम कुछ अधूरा रह जाएगा। हमारे बुजुर्ग व्यक्तिवार हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं पर पधार कर इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। इन बुजुर्गों को श्री राजीव दीक्षित जी द्वारा सम्मानित किया जाना है। सबसे पहले श्री बाल भवन जायसवाल जी को श्री मिश्रा जी मंच तक लाए का सम्मान। आप ग्राम गोविंदा तहसील भिजा रामनगढ़ जिला कटनी के मूल निवासी हैं। आप 1954 में नगर सेना होमगार्ड में सैनिक के रूप में अपनी सेवा शुरू की थी। सेवा के प्रति समर्पण पर आपको 1984 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप प्लाटून कमांडर के रूप में कार्य करते हुए सन 1990 में सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर किया जा रहा है चार कहना का स्मृति चिन्ह देकर माननीय राजीव जी सम्मानित कर रहे हैं श्री बाल गोविंद जायसवाल जी को। धन्यवाद दीक्षित जी। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री भरत राम बड़गैया जी को यहाँ पर बताने। दिनांक 1 अगस्त 1939 को ग्राम जोरा करा तहसील विजय राघवगढ़ जिला कटनी में जन्मे एक स्कूल शिक्षक के रूप में अपनी कर्म यात्रा प्रारंभ कर दिनांक 31 जुलाई 2001 में सेवानिवृत्त हुए। आप लगातार 10 वर्षों से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोरा कला में शिक्षण का निःशुल्क रूप से कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा जगत के लिए, हमारे बालकों के लिए। आपका सम्मान करते हुए श्री राजीव जी। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री हनुमान प्रसाद जी तीर्थ विलासी जी को। सर राम मनोहर लोहिया वार्ड निवासी है। आप 2 लोगों से प्राप्त हो रहे गुप्त दान के सहयोग से सन 1973 से जिला चिकित्सालय कटनी में अनवरत रोगियों को एवं उनके साथियों को भी भोजन खिचड़ी एवं फल वितरण कर रही है। अन्नदान महादान और इस कार्य को कर रहे हैं श्री हनुमान प्रसाद जी। आपका सम्मान करते हुए श्री दीक्षित जी चाल बढ़ाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान करके आपका सम्मान कर रहे हैं। और मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमती उत्तराबाई को। श्रीमती उत्तराबाई
पति श्री राम सिंह, आप ग्राम मेलहा तहसील बहोरीवन जिला कटनी में केचुआ खाद बायोगैस संयंत्र आदि के माध्यम से जैविक खेती करती हैं। आप जैविक खेती पर भाग लेती हैं। आपको इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कई बार पुरस्कृत भी किया जा चुका है। जैविक खेती के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान वास्तव में सराहनीय है, जिसे हमारे स्वामी जी जैविक खेती के माध्यम से देश में एक नई क्रांति लाना चाहते हैं, उसका प्रस्ताव किया है बहन उत्तरा वाली। आपका सम्मान कर रहे हैं श्री दीक्षित जी। धन्यवाद दीक्षित जी, आपने हमारे बुजुर्गों कर्मठ और ईमानदारी के प्रति बुजुर्गों का सम्मान करके उन्हें ही नहीं बल्कि सभी लोगों को एक नई प्रेरणा दी है, एक नया उत्साह लोगों में जागेगा वे भी इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम। और इस अवसर पर मैं चाहूंगी कि श्री दीक्षित जी का भी सम्मान हमारी संस्था की ओर से किया जाए। श्री गोयनका जी जो कि हमारे संस्था के मुख्य संरक्षक हैं, मैं अनुरोध करूंगी कि आप शाल पहनाकर श्री दीक्षित जी का सम्मान करें। श्री गोयनका जी दीक्षित जी का सम्मान करते हुए धन्यवाद करते हैं। इस अवसर पर मैं एक काव्य संग्रह श्री दीक्षित जी को भेंट करना चाहूंगी। यह मेरा प्रथम काव्य संग्रह है जिसमें मैंने और मेरे पति श्री वीर तिवारी जी ने उसे संयुक्त रूप से लिखा है। मैं इस अवसर पर यह छोटी सी कृति आपको भेंट करना आपके पास तक आ चुके हैं। जो ऊपर उठाने वाला है जब वो बुलाएगा तब हम आएंगे। अभी हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है। वंदे मातरम से हमारे इस कार्यक्रम का समापन होगा। मैं सुरेश मंच पर आए और सभी लोग थोड़ी देर के लिए अपने स्थानों पर रुक जाए, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम के द्वारा हमारे आज के कार्यक्रम का समापन होगा। मैं सभी भाई और बहनों से अनुरोध करती हूँ जहाँ आप लोग ने इसे सम्मान करते हुए अपने स्थान पर ठहर जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। वंदे मातरम सुजलां सुफलां भरत सीतलां श्यामलां मातरम वंदे मातरम Thank you.
Yes. Yes.